तेरा भी के तविल में जानिशी
छोड़ने दिया, मेरी रहमत से हर एक आंखों में आंसू है भरा। खानवादे दरख्वास्ती के तो मिशन बहुत सारे हैं, मैं सबका तस्करा तो नहीं कर सकता, लेकिन दो का तस्करा जरूर करूंगा। एक के साथ मेरा ताल्लुक बेहद है जो जहां हम बैठे हैं, और एक कराची में जामिया अनवारुल कुरान है, तो उनके इन गुलशनों का तस्करा करना भी जरूरी है। शायद लिखते हैं कि जामिया अनवारुल कुरान आपका फैजान है, जामिया अनवारुल कुरान आपका फैजान है, और हर कज़ल दरख्वास्ती भी आपका फैजान है, मर कज़ल दरख्वास्ती भी आपका फैजान है। तेरी रहमत से हर एक आंखों में आंसू है भरा, और आलम फाजिल है सारे साल फर्जत आपके, आलम फाजिल है सारे, आलम फाजिल है सारे साल फर्जत आपके, जारी रखे हुए, जारी रखे जो आपका, तेरे रहमत से हर एक आंखों में आंसू है भरा। और आखिरी शेर है, दुआ है, है दुआ रहमान की, ऐ खुदा ए लमयज़ल, है खुदा हम सब की, ऐ खुदा ए लमयज़ल, है खुदा हम सब की, ऐ खुदा ए है दुआ इस मस्जिद की तामीर भी हुई, साथ मदरसे की तामीर हुई, और
एक साल के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी 8 मई 2008 को। तो एक साल के अंदर सीधा मेरा अति काम भी मुकम्मल था और तालीमी सिलसिला भी अल्लाह पाक ने जारी करवा दी। तो हजरत से मेरी यहाँ की जो रफाकत है तकरीबन 13-14 साल पहले, इन 13-14 सालों में सुबह शाम आना जाना इंतजामी होगा सब चलते थे। तो हजरत के इंतकाल से 2 दिन पहले हजरत जब नहीं चलते थे इस्लामाबाद से तो मुझे फोन करते थे यही साहब बेहाल है, तो मैं मुलाकात के लिए हाजिर हुआ 2 दिन पहले। तकरीबन आधा पौना घंटा मुलाकात हुई, बड़ी तफसील बात हुई। तो उठते वक्त मैंने कहा अगर मेरे लिए खुशी दुआ फरमाई, तो हजरत ने दुआ फरमाई और मैं मुसाफा करके निकल गया। तो अगली रात जो मैं बात खुशी तौर पर करना चाहता हूँ कि अगली रात यहाँ मुलाकात था कि मैं घर गया, रात को मुझे साहब आया कि हम चारों भाई हैं, हम सब भाई से बैठे, मेरे बच्चे भी हमारे भतीजे सब अंदर से बैठे। तो मुझे साहब आई कि मैं अपने वालिद साहब की कब्र खोद रहा हूँ, हम चारों भाई बैठे हैं और हम अपने वालिद साहब की कब्र खोद रहे हैं, हालांकि हमारे वालिद साहब को खोद हुए 25-30 साल हो गए। तो सुबह में उठा बड़ा परेशान था, वो एक दिन गुजरा। अगली रात रात 2 बजे अगर का निकाल हुआ, मुझे सुबह का इतला मिली, वो काफी जो है एक नाम मेरे जहन में आई कि जो उस्ताद या पीर मुर्शिद होते हैं वो रूहानी वालिद होते हैं, तो मैं अपने रूहानी वालिद की जो है कब्र खोद रहा। तो अल्लाह पाक ने मुझे शर्फ हासिल किया, नसीब किया कि मैंने तकरीबन 13-14 साल हजरत साहब की हिफाजत रही, सारे इंतजामियों मांगा मुझसे मशवरा, मैं उनसे मशवरा करके ये काम चलता रहा। अल्लाह पाक इस मरकज को शाद व आबाद रखे और उनके साहबजादे उनकी औलाद को इस मरकज की खिदमत करने की उसी तरह तौफीक नसीब करे जिस तरह से हजरत ने दी है, पूरी दुनिया में खिदमत की है। अल्लाह पाक उनके खानवादे को उनके साहबजादों को उसी तरह उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इस दीनी खिदमत की तौफीक नसीब करवाए और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चल के दीनी खिदमत की तौफीक नसीब करवाए। हमारा माशाल्लाह, ये थे जनाब हाजी सलमान साहब, इंतहाई बेहतरीन अंदाज में आपके सामने अपने खिदमात इदारे के साथ ताल्लुक, हजरत दरख्वास्त रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ ताल्लुक आपके सामने बयान कर रहे थे। हम सब हजरात की इंतहाई खुशकिस्मती है हमारे अंदर इस वक्त हमारे इस इलाके की एक अजीम हस्ती पीरे तरीकत रहबर शरीयत वली कामिल वली ने वली हजरत मौलाना अरशद हुसैनी साहब दाम बरकातुहुम हमारे अंदर मौजूद हैं। बगैर किसी वक्फे और देर के हजरत से हम गुजारिश करते हैं कि हजरत खुदावंद दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके मुताबिक और इस इदारे के मुताबिक कुछ कलिमात हम सबके सामने पेश करें और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हम सबको अपनी ज़ियारत का मौका बख्शा और इस मजलिस में अपनी हाजिरी इसको यकीनी बनाकर इस इदारे के मुतमिमीन और तमाम मुतअल्लिकीन के सर पर शफ़क़त का हाथ रखा। मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत कुछ कलिमात इरशाद फरमाएं। إنما يخشى الله من عباده العلماء
जिस तरह अंजाम पे पहुंचाया
जहां खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए 1200 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन शहीद हुए, जामे शहादत नोश की। मगर कोई नरमी नहीं करती सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो साहिब आज़म हिम्मत और बहुत ही मजबूत आज़ाम के मालिक, उन्होंने भी दरख्वास्त की कि जरा हुकूमत की रियासत की बुनियादें मजबूत हो, उसके बाद इकदाम किया जाए। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी दिलेरी, तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी जो अजमत है, ये जो आप कह रहे हैं शायद ये बात उसकी मुनाफी है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हर दौर में दीन दुश्मन हुकूमतों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, दीन मदीन, दीन इस्लाम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, मगर उस दौर में जमात अहले हक की जमात भी मौजूद रही, उनका मुकाबला किया, उनका तआक़ुब किया। अल्लाह ताला के फजल करम से 1450 साल गुजरने के बावजूद कुरान करीम हर्फ ब हर्फ मौजूद है। अहादीस को जो जमा किया गया वो मौजूद है। तमाम दीनी उलूम मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि हर दौर में अकाबिर उलमा किराम ने दीन का तहफ्फुज़ किया, इस्लाम का तहफ्फुज़ किया, खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ किया। हमारा आपका जो करीबी जमाना है बड़ी सभी जो तकसीम से कबल जब अंग्रेज यहां मुसलत हुआ, जिस तरह अंग्रेज ने दीन का रास्ता रोकने की कोशिश की, उलमाए किराम को सत्ता हस्ती से मिटाने के लिए इकदाम उठाए, उलमा को शहीद किया गया, हर साहिब रिश को फांसी में लटकाया गया, मगर उसके बावजूद दीन इस्लाम खत्म नबूवत का अकीदत कायम रहा और उसे वो खत्म नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने अर्ज किया कि हर दौर में अहले हक की जमात रही जिन्होंने जान पे खेलकर अपने आप को, अपनी औलाद को कुर्बान करके दीन का तहफ्फुज किया, खत्म नबूवत का तहफ्फुज किया। हमारे मौलाना फिजाउर रहमान साहब दरख्वास्त रहमतुल्ला उन्हीं उलमा में शुमार होते हैं जिन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरानी तालीमात की तरक्की के लिए वक्फ कर रखा। दरख्वास्त रहमतुल्ला का एक वाक्य हज़रत हाफिज़ुल हदीस
हजरत मौलाना अब्दुल्ला तखासी रहमतुल्लाह का एक वाक्य आपके सामने रखता हूं और रुख्सत होता हूं। 1975 की बात है, हम मखसूर खानपुर में पढ़ते थे। उन दिनों में पीपल्स पार्टी का अरूज था, ताकत थी, जुल्म जबर की इंतहा थी। खानपुर में जलसा होना था, डिप्टी कमिश्नर ने पैगाम भेजा हजरत दरखास्त रहमतुल्लाह के लिए कि मौलाना कौसर नियाज़ी साहब यहां तशरीफ लाए हैं और वो आपसे मिलना चाहते। तो हजरत दरखास्त साहब रहमतुल्लाह ने डिप्टी कमिश्नर को जवाब दिया कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, ये जालिमों का टोला है और इनसे मैं नहीं मिलना चाहती। और मुझे याद है कि कौशल नियाज़ी साहब बगैर इजाजत के आए, हजरत ने दरवाजे बंद करवाए, वो बाहर खड़े रहे आधे घंटे तक, हजरत उससे नहीं मिले और वो वापस चले गए। आज अगर छोटा सा मेजर भी किसी को बुला लेता है तो वो निशा बड़ी तैयारी के साथ चल पड़ता है, कहता है किसी मुझे जो बुलावा आया है। तो अहले हक की पहचान ये होती है कि वो अपने मौकफ पर, अपने नजरिए पर इतना पुख्ता होते हैं कि किसी किस्म की डिक्टेटर की वजह से, किसी जालिम हुक्मरान की वजह से उनके मौकफ में झोल नहीं आता। और ये हमारे अकाबर थे। अल्लाह ताला हजरत की दीनी दिल्ली खिदमात को कबूल फरमाए और हम सबको अपने अकाबर की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ हूं उनके औलाद के लिए भी कि वो हजरत की मिशन को आगे बढ़ाने की साय करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، مشائخ اور عزیز طلبا، اور جملہ حاضرین اور سامعین گرامی قدر، میرے حضرت حضرت مولانا قاضی محمد ارشد حسینی دام برکات و مکالمانہ فاضلانہ روحانی اور ایمان پر بیان سنا، مجھے حیات ہے کہ بڑے علماء مولانا فضل الرحمان درخواست اور مولانا قاضی خلیل احمد صاحب سب کی موجودگی میں اپنا طالب علم مجھے حکم آئے تعمیر ارشاد سعادت سمجھتا ہوں، ایمان ہوں اور یہ پہلی بار میں ایک پروگرام کے لیے گھر سے نکلا ہوں، بائی پاس کرایا ہوا ہے تو اس میں بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بڑی عظیم سعادت ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی
हजरत माना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती और पूरे दरख्वास्ती खानदान से सबको एक ताल्लुक है खिदमत का, नस्बत का, रवानियत का। मौलाना फजलुर्रहमान दरख्वास्ती तो जवानी में भी बहुत शफ़क़त और मोहब्बत का मामला फरमाते थे। मैंने किया कि अब खसूसियत से मेरे लिए दुआओं का अहतमाम फरमाए कि अल्लाह मुझे अपने दीन की हैसियत अता फरमाए। शेख़ुल हदीस मौलाना अब्दुल्हाशिम नवरल्लाहु मरकज़हु कुरा खटवाले मेरे उस्ताद थे, मुझे खत पकड़वाया, हाथ में दिया, कहा बेटा ये प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ सुलेमानी के पास पेशावर ले जाओ। वो बड़े शेख सैयद सुलेमान नदवी के खलीफा, बड़े अदीब, बड़ी किताबों के मुसन्निफ, बड़े मरकज के चलाने वाले। मैं ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया। अज़किया पुत्र मकानी का बिल्कुल जानता हूं पड़ा है। मैंने खत खोला, पकड़वा दिया। मैंने कहा शेख़ुल हदीस मौलाना मलाक साहब ने आपके नाम खत दिया, आपकी खिदमत में भेजा, तो खुदा गवाह है इतनी बात करनी थी कि हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ सुलेमानी की चीख निकल गई, गिरिया ताले में होते रहे होते रहे। मेरी भी जवानी थी, मैंने कौन से कर्म किया, खत करवा दिया। हजरत को क्या हुआ, अभी इस बाजार में सौदा नहीं दिया था। हजरत मौलाना कादी मोहम्मद जैद में से नवरल्लाह मरकज हूँ, उनसे मैंने बैत लेने की थी और मियां ने चकवाल से मौलाना अब्दुल्ला की खिदमत में हाजिर हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रही है। जब जज्बात काबू हो गए, मैं फरमाने बैठा तुम्हें परेशान कर दिया है, मेरे पास कोई अमल नहीं, मेरे पास कोई इखलास नहीं, कोई लिलाहियत, कोई तहज्जुद, कोई इबादत, कोई रियाजत, कोई मुजाहदा, कोई इल्म और अमल सारे नहीं। रब पूछेगा अशरफ क्या लाए हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ रब्बा वो गुनाहगार आंखें लाया हूँ जिनमें हजरत मौलाना यूसुफ बिनौरी और मौलाना अब्दुल हक की ज़ियारत की है, ये खत भी पेश कर दूंगा। रब्बा मौलाना अब्दुल हक का ये मोहब्बत भरा खत अपने निजात का परवाना और सनद साथ लेकर आया हूँ। मुझे उस वक्त निस्बतन का कोई मफहूम समझ में नहीं आ रहा था। करीम हजरत कादी साहब नवरल्लाह मरकज़हु से ताल्लुक जुड़ा, तब पता चला कि कितनी प्यारी बात है। आज मैं भी रब की बारगाह में अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से यही पेश करता हूं, रब्बा अगर हमसे रब पूछे, मुझे वो मदीना मुनव्वरा का मंजर याद आ गया जो हजरत मौलाना फिज़ाउर रहमान दरख्वास्त थी नवरल्लाह मरकज़हु ने मेरे पास शेख बिलाल को भेजा और फरमाया उनको बुलाओ कि मुझसे मुलाकात कर ले। मैंने कहा मैंने उस जगह नहीं देखी, कहा फला होटल है, बड़ा ऊंचा होटल था। मैंने कहा वहां में कौन छोड़ता है, कहा मेरे रास्ता में देख कर मैं ले जाऊंगा, वहां मेरे जगह। हम वहां पहुंचे तीसरी या चौथी मंजिल में, अब याद नहीं, कमरे में गए तो ऐसे लगा जैसे चौथी का चांद चमक रहा है। अगर मौलाना फिज़ाउर रहमान दरख्वास्त बैठे, नूर चेहरे से बरस रहा था, मेरी थकावट खत्म हो गई। मैंने वहां भी मौलाना मोहम्मद अशरफ का ये खत का पैगाम सुनाया, हजरत को भी सुनाया, आज फिर उसको दोहरा रहा हूँ। अल्लाह पूछेगा क्या लाए हो, क्या लाए हो, क्या लाए हो, मैं करूंगा। रब्बा हमारे पास कोई इखलास और नहीं है, रब्बा हमने अब हम वो गुनाहगार आगे रहे हैं जिन्हें हजरत दरख्वास्ती को, हजरत कादी मोहम्मद जैद बिन हुसैन को और हजरत मौलाना मौलाना फिज़ाउर रहमान दरख्वास्ती के चेहरे आनवर की इजाजत है। दूसरी बात, मेरे बड़े हजरत से हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती से एक खजाना पाया है, बरकतें देखिए, कदम कदम पर वो सवाला मरतब होकर सामने खड़े होती है, खाली दामन चाहता हूँ दामन भर जाता है, कलम चलाता हूँ चलती चली जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती।
शराब मुस्लिम के लिए पद तोड़ता रहा, काम नहीं बन रहा था। जब गर्म चला तो हमने 14 जिल्द मुकम्मल कर छापता रहा। 7,800 हदीसी हैं, 6,300 हदीसी को काम कर चुका हूँ, थोड़ा सा हिस्सा रहता है 700, वही पूरा हो जाएगा। देखिए पस मंजर बताता हूँ, अमल की चीज आ जाएगी, शायद किसी को फायदा पहुंचे। मेरा वो दिल साफ नहीं दे रहा, तकलीफ हो रही है, इसलिए इंतजार करता हूं। हाफिजुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती दारुल हक्कानियत तशरीफ लाए, 6-7 घर या 7-35 अफराद थे। शेखुल हदीस मौलाना दराज साहब ने सब की ज़ियारत का इंतजाम किया। अब मुझे हजरत ने फरमाया, बैठे तुम शांत करो और हजरत को पूरे दारुल का मुआयना कराओ। हजरत सुन गया, सुना तो फौर खुद कर गए हजरत खाजी साहब। मेरा भी आदाश था और जवानी थी, मैं आके सारे मेरे पीछे, हजरत ये दारुल हदीस है, ये कुतुबखाना है, ये दर्शगाहें हैं, ये दारुल हुफाज है, वगैरह वगैरह। पूरे शिद्दत की गर्मी थी, पूरे हक्कानिया को उन्होंने दौरा किया। आखिर में वो जो कदीम मस्जिद थी वहां आकर मेहराब के साथ खड़ा कर दिया हजरत इंसान में दो लेनों में असरदा कराम के क्वार्ट रहे। कहा बस यही मैं चाहता था। फिर मैं बेटे मैंने तुम्हारे क्वार्टर में जाना है, तुम्हारा घर यहां है क्वार्टर है? मैंने कहा जी है। तुम्हारा है? मैं नहीं, वो सामने मेरा है, चलो मैं तुम्हारे साथ रहा। अब 30-35 अफराद उम्र छोटी सी बैठक, एक टूटी चारपाई, एक पुरानी कुर्सी उस पर पड़ी थी। हजरत मेरे साथ चल पड़े तो पूरा काफिला चल पड़ा। मेरे आयिस्टर में बच्चा था, हजरत खान ने कहा कि हजरत वहां तो हजरत ने बोला प्रोग्राम बना रखा है, दावत का इंतजार होगी और खाना ठंडा हो जाएगा। बेवकूफी की हिमाकत थी। मैंने कहा इतने काफिला मेरे साथ है, मेरी बैठक पे तो समा नहीं सकते, और जब बैठक में ले जाऊंगा तो ठंडा पिलाना पड़ेगा, पत्नी कितना मेरी पूरी तरखा चली जाएगी, कहां से पैसे आऊंगा। कुछ परेशान सा होगा तो हजरे का ठहरो, पठान है मुफ्ती महमूद के इलाके का, कुछ कर रहा है कुछ कह रहा है। देखो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे, रुक जाओ, सब जो वहां दफ्तर इमाम में, मैंने अकेले जाना है, मेरी के साथ बात है। मैंने दिल में कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो गुजारा हो गया, और बड़े हजरत से बात करो तेरे संभाले को। चलते चलते आखिर में मेरा बैठ था, मैं दौड़ कर गया तो अंदर से बैठक खोली, हजरत को उठा लिया। हजरत टूटी चार वहीं पे बैठ गए और मुझे कहा तुम कुर्सी बैठो, सामने बैठो। मैं बैठा, फरमाया ये घर किसका है? मैंने तो कहा मेरे घर, वो हजरत बाप का कर थी। मैंने कहा मेरा है। कहा तेरे बाप का है? तुमने बनाया? माफ करना, मदरसे का घर है, हम इस पे रहने रहते हैं, मदरसे मिलते हैं, क्यों कहो? अब अगली बात सुनो। फरमाया बेटा अपना घर चलाते हो, यह मेरे साथ अपना घर चलाते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर। कहा छोटा या बड़ा? मैंने कहा जो से हो, एक घर दो घर तीन घर 10 घर। मैंने कहा हजरत जो आप दुआ कर देंगे अल्लाह वही दे देगा। फिर फरमाया कि तुम्हें याद है तेरे साथ मेरी मुलाकात और तेरी मुलाकात मेरे साथ? मैंने कहा जी हाँ। कितने बार मैंने कहेगा इसके बाद मिले मैंने कहे? कहा मुलाकात हुई थी? मैंने कहा लाइब्रेरी में,
कहा बेटा उस वक्त तेरे हाथ में एक लंबी किताब थी याद है? अभी हाजिर। मैंने कही जी याद है। कहा मैं बताऊं कि तुम बताओ? मेरे जैसे आप कहो तो वो कानून नवाज थी कि नहीं? मैंने कहा देखो। कहा बेटा मैंने आपसे एक बात की थी, तुम्हें याद है कि नहीं याद? मैंने कहा मुझे याद है। कहा तुम बताओ तो मैं बताऊं? मैंने कहा हजरत जैसे आप कहो। कहा मैंने आपसे कहा था गुर अनवार में अनवार ही अनवार है, बेबुजू न पढ़ाना याद है? इसके बाद फिर मुलाकात नहीं। फिर फरमाया तर्जमा ने इस्लाम में तुम्हारा एक मजमून छपा था मदारस के बारे में, और मुस्लिम महमूद ने उस मजमून के लिए हकानी में गाड़ी रोक दी थी और तुम्हें तलाश किया था, तुम नहीं थे, तुम वो ही बिल्कुल हो? मैंने जी बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं आया, कुछ लिखते हो मैंने के लिए ना बनते शौकी नहीं है। कहा लिखना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ। क्या लिखोगे? मैंने कहा दो कम होगी। फिर मैंने किताब दो किताब तीन किताब मकाला मजबूर। मैंने कहा हजरत बस दुआ कर दिया नकल चला दे चला दे कि चलता है? मैंने कहा चलता है। फिर मैं कुछ बयान बयान कर लेता हूँ। मैंने कहा पठान हूँ कि सब मैं मेरे परेशान से रहता लोग हैं यहाँ पश्तो बोलता हूँ तो यहाँ के पठान मेरा मजाक बनाते खान हमारी पश्तो बदली और इनकी असली पश्तो है बदली और तुम्हें बात करता हूँ तो दो सौ इतने पठान मुहम्मद मजा कर सब भरा तो अच्छा बयान चाहते हो नहीं ले जाते कहा करोगे मजाक भी कर मेरे खाता जान ले तो भी मुल्क में या मुल्क हूँ मुल्क हूँ मेरे खाता आप दुआ करते हैं फरमाया हद मेरा किया है अब मैं तंग हो गया चौतीस कितने सवाल और किए मुझसे बूढ़े इतना तंग हो गया कि पसीना पसीना आ गया और खुश हो गए बाबा जी को क्या हो गया तो कंप्यूटर खराब है बूढ़ा है ये क्या हो गया और मैं भी तंग हो गया हर उम्र किया मैंने कहने लेकिन दिल तंग हो रहा था करना हर उम्र करना चाहते हो मैंने कहा मैं पे चाहता हूं एक या दो या तीन मैंने कहा दुआ कर दो ये चाहते हो मैंने कहा चाहते हो ये चाहते हो आगे को समय अपना काम चाहते हो अब मेरे जहन में देखा कि कहीं वो तो भी बदल नहीं रहा हूं अपना काम तो मैं कहना तो लंबा जाती मैंने कहा चाहता हूं छोटा बड़ा मैंने कहा दुआ कर दो अब मैं इसे बिल्कुल वैसे बोझ हो गया तब मेरे का खुद कब उठेगा बहुत बात ये चाहते हो ये चाहते हो चाहता हूँ ये चाहते हो चाहता हूँ ये चाहते हो चाहता हूँ हर उम्र एक दो दस मेरे काम दुआ कर दे जा रही है और क्या कहते हैं फरमाया बेटे मैं एक अमल बताना चाहता हूँ इसलिए आया हूँ भेजा गया हूँ ये पहले हो मैं कह रहा मैंने आपसे बात कर ली मेरे कागज फरमाएंगे पर मैं एक छोटा अमल देता हूँ इसको पढ़ना फरमाया वुज़ू जब शुरू करो आज तक पढ़ो अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी वग़स्सिलनी फ़ी दारी वबारिक ली जैसे पढ़ोगे मैं तो पढ़ूंगा मैं तो तंग हो गया था अब इस दौरान एक बड़े उस्ताद को गोड़ा भरा कर भेजा वहां तक दरखास्त की वहां बैठाए उनको जल्दी रहो खाना ठंडा हो मेहमान सारे यहां बैठे यहां बड़े उस्ताद हैं हमारे अब भी जिंदा हैं वो दौड़ते हुए गुरुजी पर से चलते सरे ने के रवाने ने प्रिय ने करना जी ने मैंने कहा हम सब कोई प्रेरम होते ही नहीं देखती तो ये हो सकता तो क्या क्या कहते हैं मेरे कहा फरमाते हैं कि खाना तैयार है आपको बुलाया जा रहा है हजरत ने यूं देखा कबस्किन के साथ दो तीन बातें मेरे और कर रही मैं आ चलो तुम चलो मैं आ मुझे आप हजरत ने कहा कि चलो चलती यूं थे और
साथ ही दरवाजा था, एक दरवाजा खोला और फिर पीछे मुड़े। कहो साजन, मैंने तुम्हारे दामों में कैनात डाल दी, तुम्हें जजा कर ला भी नहीं कहा। मैंने जल्दी से उठकर जजा कर ला, तेरे चेहरे पे कोई बशाशत नहीं, कोई रौनक नहीं, तेरे दिल खुश नहीं, अंदर बता रहा है तू तंग हो गया है। तू बोल रहा सीधा कहो जजा कर ला। मैंने ऊंची आवाज से कहा चला जजा कर ला, करने नहीं, तेरा दिल मुतमइन नहीं है तो अमल नहीं करेगा। तेरे दिल में चोर है, चोर है, चोर है। मैं चोर को पकड़ूंगा और चोरी भी जाहिर करूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा मेरे दिल में चोर कहां है, क्या चोर है? यहां दूसरे सारा है, रोजमाना का भाया था, उनका अपना भरस था। उन्होंने बुला के भेजा था, जल्दी करो हजरत, हजरत बुला वो तू अब्दुल करीम ने बिठा रखा। उसे को छोड़ो नहीं थे, वो फिर आया बड़ा काम का गुस्सा भी था, वो माना बुरा का गुस्सा और जलाल वो मुझ पर टपक रहा था उनकी अदाओं से। क्या हजरत साहब मुझ पर क्यों डाल रखा है? उन्हें कहा सर का वहां मौना से कोई इंतजार है, रहवाए करना भाई नसी चेरा मरा मरे तेरे हो सकता। हजरत साहब क्या कहते हैं? तो बड़ा बोल रहा है नहीं, मैंने चोरी पकड़ी है, चोर भी पकड़ा है, मैंने इलाज करना है और चोरी जाहिर करनी है। वो जाकर मौना बुरा को ले रहे थे, मौना बुरा को परेशान हो गया कि ये मेहमानों के साथ था और फिर आता रहा। अब्दुल करीम ने किसी की जेब काट दिया या क्या किया है? मैं बहुत बड़े परेशान। फिर फरमाया भाई देर हो रही है, मौना बुरा बुला रहे, मुझे बताओ तुम्हारे दिल में चोरी है। मैंने पहले इनकार किया कि फिर दिमाग खराब तो मैंने कहा हाँ जी है। तेरे चेहरे पे का कोई रौनक नहीं आ रही। कहा तुम बताओ कि मैं कहा मैं बताऊं? मैंने कहा मैं खुद बताता हूं। मैंने कहा अपनी बात जाहिर करो। मैं कहा आपने जो मुझे वजीफा दिया है, वजीफा दिया है, वजीफा दिया है, ये तो बचपन से मुझे अमल जी ने सिखलाया था, तब से अब तक अमल में है। हमने फरमाया कि हाथ वुज़ू में पढ़ना और नमाज के बाद ही करना। तो मैंने कहा ये मैं हमेशा पढ़ता हूं, मेरे पास पंचर साइकिल भी नहीं है और आप कहते हैं पूरे मुल्क की दुनिया दुनिया जाएगा। हमने फिर बस बस मैंने चोर पकड़ लिया, चोरी पकड़ ली। फरमाया बेटे मैंने तुम्हें कहा पढ़ा करो, मतलब ये है मांगा करो, अब तक तुम पंचर है आईदा मांगोगे, इसका माना याद कर लो, तर्जमा याद कर लो, इसे घर में बिठा लो, इसे हालत बना लो, फिर देखो कि अगर 40 दिन के अंदर तुम 40 दिन के अंदर तुम हज पे जुलाई या उमरे पर न गए तो वहां पर आकर मेरे पास खानपुर में पूरी दुनिया में कहना कि अब्दुल कर के दरखास्त से तुमने झूठ बोला था। और मुझे शायद समझ के बिल्कुल सही कमल करूंगा। हजरत चल पाए हाथ से मेरे पकड़ा, लोगो हजरत का गुफ्ता था, मैंने तर्जमा मुस्तहजर कर लिया और फिर अमल शुरू कर दिया। तनख्वाह मेरे 700 रुपए थी, लेकिन जो 40वां दिन पूरा हुआ, हजरत रहमतुल्लाह ने का इरशाद मुकम्मल हुआ, 40 किलो मैं जहाज में बैठा था और जब 41वां दिन हुआ तो मैं जद्दा में एयरपोर्ट में उम्र के लिए उतर फिर वापस आया और वापस आने के बाद उसी साल अल्लाह ने मुझे हज बैतुल्लाह में पहुंचा दिया। उमरा करने गया, मेरे पास 10,000 की टिकट थी, कुछ नहीं था, 10,000 आना जाना था। जब वापस लौटा तो मेरे जेब में पूरे हज की रकम थी और फिर कोशिश करके अल्लाह ने हज भी करा दिया। उसके बाद बेचना शुरू किया और बिस्मिल्लाह की और मेरी किताब हयातुल दिफा इमाम अबू हनीफा वो चल करी चलती रही, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गए। इसके बाद कलम चलता चल रहा है, 150 से ज्यादा मेरे किताबें इस मुबारक वजीफे की वजह से पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। घर की बात अभी मेरे साथी और हजरत हमारे दाऊद बरकात हूँ, मेरे मखदूम भी हैं और मखदूमजादे भी हैं, मेरे पीर भी हैं और पीरजादे भी हैं।
इनके तमाम हाथ की बरकत से ये भी आते कर्म मिर्जा फरमाते बड़े हजरत भी आज करते थे। अब सब कुछ ऐलान करेगा घर भी इतने क्वार्टर मदरसे के 20-25 मदरसे के अपने क्वार्टर लेते और मुझे लग गया अपने घर देते और काम जामिया हो रहा काम है दौरे हदीस भी चल रहा है तखसुर भी चल रहा है सारे काम कर रहे थे जो मदरसे की जरूरत है। और जहां तक कुरान की बात है हजरत ने फरमाया मुल्को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुल्को पहुंचा है और वहां जाकर अल्लाह का कुरान सुनाया है। और जब से मदरसा बना आज तक मेरे पास कोई ऐसा कर्ज नहीं है जो मुझे सिखाई है जिसे मैं कर्ज समझू। 24 असातिज़ा हैं शुरू के अभी सब के अपने अपने घर हैं अब शराब से भी काम शुरू किया बड़ी मुश्किल थी। चल पड़ी तो आप कल रुकता नहीं 14 दिन से छप कर आ गए हैं और इंशाल्लाह 36 दिन में आएगी। मेरे गांव में फोड़ा निकल गया मुझे सब शुगर है 400-500 में रहता है। एक दफा ऑपरेशन कर रहा दूसरे डॉक्टर के पास गया उसने मुझे कहा आकार से पांव के हम बम बांध कर रहे हो जना दिया मेरे तो तुम अपने काम करो। तीसरा ऑपरेशन किया तीसरे ऑपरेशन में उसने जला दिया तो खुदा का वाह है वो पांव का सारा फोड़ा खत्म हो गया वरना शुगर के मरीज को मच्छर काटे पांव में तो फिर खैर नहीं होती। अल्लाह का फजल है दिल की तकलीफ भी डॉक्टर कहते थे कि तेरा मैदा खराब है मैदा सूजा हुआ है। एक तो ब्रिंग डॉक्टर था तेरा दिल खराब है 5 साल के बाद ऑपरेशन करे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपके संदर्भ से बिठा दिया। तो ये प्यारे पैगंबर की दुआ है वुजू की शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है हजरत दरखास्ती और साथ ये है कि फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा हजरत ने मुझे इजाजत दी थी और मैंने जहां बयान किया लोगों को इजाजत दी उसके बरकात लोग बताते हैं और मेरे अकाब और असाफा दरखास्ती खानदान के बुजुर्ग और मेरे पीर और पीरजादा सब मौजूद हैं इन हजरात की इजाजत सबको पढ़ने के चलते पढ़ोगे जोर से बोलो पढ़ोगे ये हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक तोहफा कबूल कर लो। हजरत मौलाना फिरदौस रहमान दरखास्ती छोटों को उठाते थे हौसला देते थे इतना के बजे अचानक आ जाते थे कि वरना यहाँ जब आते टेलीफोन खामा खा करते मदीना मुनव्वरा में उन्हें पता लगा अपने पास बुलाया वाह और जजा कर लो सुभान अल्लाह बारक अल्लाह काम तो आप कर रहे हैं मुझे अपने कौशल का रुकन बनाया उनके साथ चलता रहा और इंशाअल्लाह आप उनके खानदान के साथ और कारसर के साथ मौलाना सैयद राशिद के साथ भी बराबर चलता रहूंगा ये खानदान हमारा अपना खानदान है। अल्लाह करे इस जिंदगी के तमाम वसाई जमीनों को कबूल फरमाए हजरत की मफरत फरमाए हजरत मौलाना जुबैर से और तमाम औलाद में बरकत अता फरमाए भाइयों को इत्तेफाक के इत्तेहाद की मजीद बरकत है मुसादे इस्तेहकाम तमाम अता फरमाए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कुमुज दरागाह को मेरे मुबारक महफिल में हिस्सा अता फरमाया व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتدم میں آپ تمام حضرات سے انتہائی ادب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے ہم سب کے مقدوم و مکرم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب درخواستی
हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब, कारी अजीजुर रहमान साहब, हजरत मौलाना कारी हुसैन अहमद साहब, मौलाना रशीद अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आप हजरात ने हमारे अकाबरीन के बयान सुने हैं, यकीनन मेरे बाद भी आप हजरात के सामने बहुत से बुजुर्ग तशरीफ लाना चाहते हैं। हमारे महबूब हजरत मौलाना ज़ाहिदुर राख़्ती साहब दामन बरकातुहु अलिया, हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरख्वास्ती, मौलाना जमीलुर रहमान अख्तर साहब, इसी तरह जमीयत उलमाए इस्लाम रावलपिंडी हसन अब्दाल तकसला के जिम्मेदारान भी तशरीफ फरमा है, वो भी आप हजरात से अभी थोड़ी देर में मुखातिब होंगे। आज के इस तादीदी प्रोग्राम में जो हजरत मौलाना फिदाउर रहमान दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह के मरकज में हो रहा है, हजरत ने बड़ी मेहनत से इस गुलशन की आबियारी फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आप देख रहे हैं हजरत के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मरकज आबाद है, अल्लाह के कुरान की आवाज गूंज रही है। और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये मरकज भी और दीन के मराकज भी क़यामत के दिन तक आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत इस मरकज में आपने कहां कराची से चले यहां पहुंचकर दीन का इदारा कायम किया। हजरत मौलाना फिदाउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के दिल में हमने जो तड़प देखी, जो मिशन देखा, वो अपने वालिद माजिद हाफिज़ुल कुरान व हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती नबर अल्लाह बरकतहु का मिशन था। हजरत दरख्वास्ती भी जहाँ तशरीफ ले जाते मदरसे की बुनियाद रखवाते, मस्जिद कायम फरमाते, लोगों को दीन के साथ जोड़ते। हजरत मौलाना फिदाउर रहमान दरख्वास्ती ने हजरत वालिद माजिद का मिशन, हजरत दरख्वास्ती का मिशन यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया के बहुत से ममालिक तक पहुंचाया। पाकिस्तान में दीनी मदारस कायम किए, बहुत से दीनी मदारस की सरपरस्ती फरमाई। हजरत मौलाना फिदाउर रहमान के दिल में सबसे ज्यादा तड़प थी तो दीन के हवाले से कुरान मजीद के साथ बड़ी मोहब्बत थी। मिशन जिंदगी का था कि इस पाकिस्तान में कुरान का निज़ाम आ जाए, दीन का निज़ाम आए, फिर दीनी जमातों को जोड़ना भी हजरत के मिशन में शामिल था। हजरत मौलाना फिदाउर रहमान दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह आज हम में नहीं, लेकिन आपका मिशन आज भी जिंदा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी दुआ भी है और हमारे यकीन और ईमान भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत बड़े हजरत दरख्वास्ती और हजरत मौलाना फिदाउर रहमान दरख्वास्ती के मिशन को उनके साहबजादागान उनके बरादरान इंशाअल्लाह आगे लेके बढ़ते रहेंगे और हम उनके लिए हमेशा दुआगो रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना फिदाउर रहमान दरख्वास्ती अपने वालिद माजद के अंदाज में जिस मजलस में बैठते थे उस मजलस में कुरान की तिलावत भी करवाते थे, फिर उस मजलस में गुलहाय अकीदत भी पेश किए जाते थे, फिर बाद में अगर कोई आदमी दीन मौजूद हो तो उनसे कहते थे कोई हदीस सुना दीजिए, ना हो तो फिर हजरत खुद हदीस सुनाते थे, फिर अपने वालिद माजद के अंदाज में हजरत दुआ फरमाया करते थे। अल्लाह ने आपको सारी उम्र, और मैं इस बात का गवाह हूं कि कुरान से कितनी मोहब्बत थी कि सफर हजर में हजरत मौलाना फिदाउर रहमान सूरह यासीन कसरत के साथ पढ़ा करते थे। सफर में आपके साथ जो चलता था उसे फरमाते थे कि तुम भी सूरह यासीन सुनाओ और मैं तुम्हें खुद भी सूरह यासीन सुनाता हूं, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में कहूं तो बेजा नहीं, वो तो सूरह यासीन के आखिरी भी थे। बहुत कसरत के साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत करते थे। एक दिन ये इदारे में गए
हजरत की नजर पड़ी कि कुरान मजीद पढ़ा हुआ था लेकिन वो कुरान मजीद शहीद हुआ हुआ था। मट्टी पड़ी हुई थी, हजरत ने उसको उठाया, साफ किया, चूमा। फिर अपनी तकरीर के दौरान रो पड़े कि आज ये कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, शायद इसको कोई पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तड़प वही थी जो हजरत वालिद माजद की थी। कुरान की आवाज पूरी दुनिया में पहुंचे और महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह इस मौके पर याद आए, जिन्हें सोमनाथ पर हमले करने के लिए हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह ने दावत दी थी। महमूद गजनवी भी जब निकले थे तो जब एक बस्ती में पहुंचे, रात पड़ाव पड़ा, तो उस मौके पर एक कच्चे मकान के कच्चे कमरे में पहुंचे, लेटने लगे तो खिड़की की तरफ नजर पड़ी तो वहां कुछ औराक पड़े हुए थे। महमूद गजनवी ने वो कुरान के औराक उठाए, जब तो देखा तो कुरान के औराक थे। मट्टी साफ की, अपने कपड़ों से की, कुरान के औराक को सीने से लगाया, चूमा, आंखों पे रखा और सोचा कि अब इनको कहाँ रखूं, जगह कोई नहीं मिल रही थी। बस सारी रात थोड़ा सा जो वक्त था महमूद गजनवी ने कुरान के औराक पढ़ते हुए गुजार दी। जब महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ, वो मरते मुजाहिद थे जिन्होंने बुतों को बाश बाश किया था, और महमूद गजनवी से कहा गया था इन बुतों को न तोड़ो, इसके बदले में जितना सोना जवाहरात तुम चाहो तो हम तुम्हें दे देंगे। तो महमूद गजनवी ने जवाब में कहा था कि मैं तारीख में अपना नाम बुत फरोश बनकर नहीं, बुत शिकर बन के लिखवाना चाहता हूँ, मैं अपने पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करूंगा। यही महमूद गजनवी का जब इंतकाल होता है, किसी अल्लाह वाले ने पूछा महमूद क्या बना, फरमाया अल्लाह के हाँ जब पेश हुआ तो मेरे परवरदिगार ने कहा महमूद जब तुमने उस रात में बैठकर हमारे कुरान की इज्जत करते हुए उस कुरान को वराक को पढ़ते हुए पढ़ते गुजार दी थी, हमने उसी वक्त तुम्हारी मफरत का फैसला करवा दिया था। मेरे आज के ताजियती प्रोग्राम के शुरका, मैं आपको यही दावत देता हूँ, हमारे अकादर का यही मिशन था। इमाम लौलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह ने 40-45 बरस तक अल्लाह के कुरान का दर्स दिया है, जेल में भी दिया है, रेल में भी दिया है। फिर अल्लाह ने मकाम ये दिया कि लाहौर में जब जनाजा उठा तो एक तारीखी जनाजा था जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए थे। मोबाइल का दौर नहीं था, नेट का दौर नहीं था, दुनिया के पास मीडिया का दौर नहीं था, बस अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला। और इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह के वो तारीखी जुमले हमारे जनाजे फैसला करेंगे, हक और सदाकत के हवाले से फैसले करेंगे। जिंदा दला ने लाहौर में देखा, हजरत लाहौरी के जनाजे में लाखों अफराद शरीक थे, और हमने खानपुर में हजरत दरखास्ती का जनाजा देखा था। डेरा इस्माइल खान के वासियों ने हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद का जनाजा देखा था। बफा में लोगों ने हजरत मौलाना गुलाम गौस हदावी का जनाजा देखा था। गुजरावाला में दुनिया ने हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर का जनाजा देखा था। दुनिया जानती है ये आपके अकाबर थे जिन्होंने इस्तकामत के साथ दीन हक के लिए जिद्दोजहद की थी, अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर दी थी। फिर हमने हाल ही में जनाजा देखा तो हजरत मौलाना फिदाउर रहमान दरखास्ती का देखा, कहां कहां से लोग आए, देखो कार आए। आज तो जनाजे में महल्ले के लोग भी शरीक नहीं होते। हजरत मौलाना फिदाउर रहमान के जनाजे में कुरान के हुफाज थे, कुरान के उलमा थे, दीन के तालिब इल्म थे जो हजरत के जनाजे में शरीक हुए थे। मेरे भाइयों, आइए हम भी अपनी जिंदगियों को बदलें, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, हजरत दरखास्ती के मिशन को लेकर आगे बढ़े। हजरत दरखास्ती का मिशन बहुत वाज़े था, जैसे हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बयान करते हुए आपके सामने ये बात रख रहे थे कि ये पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना, एक नजरिए के बुनियाद पर बना था, आज उसी पाकिस्तान में उसी कलमे के निजाम के लिए जद्दोजहद करनी है। आपके काबिलीन मैदान अमल में है, आपने भी आगे बढ़ना है, उनका साथ देना है, और हमारा ईमान है कि वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान में मुकम्मल इस्लामी निजाम जरूर नाफिज होगा।
कह दो इंशाअल्लाह की तरह कहो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों मेरे जवानों मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ। अल्लाह वाले एक बेहतरीन जिंदगी गुजार के जाते हैं, पीछे मिशन छोड़ के जाते हैं। अल्लाह वाले जिस जगह पर बैठते हैं उनकी जुबान से इन अल्लाह की सलाह निकलती है, उनकी आंखों में हया होती है, उनके जुबान और दिल पर अल्लाह का जिक्र होता है, उनके हाथ में सखावत होती है। हमने ये बातें हजरत अरकासी में देखी, मैंने ये बातें हजरत मौलाना रफी तशरीफ फरमाए, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर में देखी, मौलाना जमीलुर्रहमान साहब के यहाँ प्रोग्राम में मैंने जुमला कहा था, वो जुमला यहाँ दोहराना चाहता हूँ। हमने एक वक्त में वली इब्ने वली देखे थे और आज के दौर में भी एक वली इब्ने वली देखे, लाहौर में वली इब्ने वली देखे तो हमारी नजरों ने हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर को देखा था। बाप भी वली था, बेटा भी वली था, हमारी नजरों ने हजरत अरकासी जैसे वली को देखा था, फिर हमारी नजरों ने हजरत मौलाना फिदाउर्रहमान अरकासी को भी देखा। बाप भी वली था, बेटा भी वली था, उधर भी वलायत है। और मेरे भाई बैठे हुए मौलाना रशीद अहमद, इन्होंने जो बात अपनी वालदा माइका की सुनाई कि हजरत मौलाना फिदाउर्रहमान ने आखिरी चार पांच रोज पहले ख्वाब देखा, हजरत अरकासी तशरीफ लाए हैं। साहब कहते हैं जो तारक हुआ उसने हजरत मौलाना खलीफा गुलाम मोहम्मद का भी नाम लिया है। कौन हजरत मौलाना खलीफा गुलाम मोहम्मद? मैं नौजवानों से कहता हूँ जरा इस हिस्ट्री को बड़ा करें, नेट की दुनिया पे जाके अपने अकाबर की तारीख को देखा करें, खानपुर भी जाइए, हजरत अरकासी के मदरसे को देखिए, खानपुर जाइए, साथ ही बस्ती है पीरपुर शरीफ, वहाँ के कब्रिस्तान में भी जाइए, जिस कब्रिस्तान के बारे में हजरत वालिद माजद फरमाया करते थे ये खिता सालिकीन है, उधर हजरत मौलाना खलीफा गुलाम मोहम्मद पड़े हुए, हजरत मौलाना अब्दुल हादी दीन पौड़ी पड़े हुए, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी पड़े हुए। अरे मेरे भाइयों हजरत मौलाना लुकमान अली पौड़ी, हजरत मौलाना अब्दुल शकूर दीन पौड़ी, हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती और आज हजरत मौलाना फिदाउर्रहमान दरखास्ती भी वहाँ पे पड़े हुए। खिता सालिकीन है और या का मरकज है, वहाँ पे रूहानियत मेरे और आप जैसी आंखें तो नहीं देख सकती, लेकिन जिनको अल्लाह ने बसीरों का बसारत दी है जब ऐसे कब्रिस्तानों में पहुंचते हैं तो उन्हें रूहानियत नजर आती है। अल्लाह ने उन लोगों का नवाजा हुआ था और हजरत अरकासी की कोई तकरीर ऐसी नहीं जिसमें इन बड़ों का जिक्र खुसूसन हजरत मौलाना अब्दुल हादी दीन को लिखा और हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का जिक्र नहीं होता था। मोहब्बत थी अपने पीर और मुर्शिद से, अल्लाह ने जगह कैसी दी तो ऊपर सर के ऊपर कब्र बनी तो हजरत मौलाना अब्दुल हादी की बनी और हजरत मौलाना अब्दुल हादी के कदमों में जगह बनी तो हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती की बनी और अल्लाह ने मकाम दिया है। पर एक बात से अभी ईमान ताजा करने के लिए मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा है, हजरत मौलाना अब्दुल हादी भी बोली फजर की नमाज के बाद कुरान खोला करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, सूरज अल्लाह का बाद में डूबता था, हजरत मौलाना अब्दुल हादी का कुरान पहले मुकम्मल हो जाता था, रोजाना के मामूल में शामिल था। आज मेरे आपके मामूल में सारी चीजें शामिल हैं लेकिन कुरान की तिलावत शामिल नहीं, अल्लाह का जिक्र शामिल नहीं, दुरूद शरीफ शामिल नहीं, इसीलिए मुश्किलात बढ़ती जा रही, परेशानियां बढ़ती चली जा रही। आइए आज परेशानियों का मदावा करवाना चाहते हैं तो कुरान से ताल्लुक जोड़ लीजिए, कुरान से लगाव कर लीजिए, नबी पर दुरूद पढ़ते रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, घरों में भी नमाज की पाबंदी करवाइए, सही घरों में भी जाके कीजिए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ एक एक परेशानी को मेरा अल्लाह दूर फरमा देगा। ख्वाब में देखा तफसील में नहीं जाता हूँ। मेरे भाई मौलाना रशीद बैठे हुए हमारे अजीज है, हम इनके लिए दिलो जान के साथ हाजिर हैं, आज उन्हीं की मोहब्बत में सब यहाँ पे जमा है। इस दीन के मरकज में एक जुमला कहते ही चलूं, इस मरकज में एक बच्चा भी अगर देर रात में बैठकर सिर्फ बिस्मिल्लाह भी पढ़ ले तो हजरत के लिए ये फैज चलता रहेगा, सवाब का जरिया बनता रहेगा, अल्लाह रुतबा बुलंद करते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो कुरान की सदा गूंज रही है, कुरान की आवाज गूंज रही है। कहते हैं वालिद माजद ने कहा, हजरत अरकासी ने कहा,
हजरत मौलाना फिदा रहमान से मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और मेरे साथ ये फला फला बुजुर्ग है, इनकी वादा कहती मुझे एक नाम याद है, वो हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद का नाम याद है। और हजरत दरखासी ने यह भी फरमाया कि तुम यहाँ पहुंचोगे तो उनसे नमाज की इमामत भी करवानी है। और मेरे बरादरान बैठे हुए हैं, मौलाना खलीलुर्रहमान भी गवाह है, मौलाना फजलुर्रहमान भी, और हमारे हजरत मौलाना जमीलुर्रहमान भी। हजरत की जब कबर कुछ खोली गई तो उस कबर के अंदर भी जो अल्लाह ने हमें वहाँ मंजर दिखाया था वो एक मेहराब बना हुआ था, उसी के अंदर हजरत की कबर बनी। पता चला हजरत ने जी कहा था ये इमामत के लिए तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह जब चाहता है तो नेकोकार के बेटों को नेकी की तरफ लगा देता है, तकवा की तरफ लगा देता है। आइए मैं और आप नेक बने, हमारी औलादों में भी नेक लोग आएंगे इंशाल्लाह। वक्त के लिए आपने आगे बढ़ना है, अल्लाह के लिए दीन का फैलाने के लिए बढ़ना है। बहुत सी बातें हैं वो पूरी छोड़ रहा हूँ, अपनी मोहब्बत के साथ कर रहा हूँ। हमारे साथ उनका बहुत ही ज्यादा मेहरबानी वाला ताल्लुक था, शफ़क़तों वाला ताल्लुक था, हजरत वालिद माजद से बहुत करीब ताल्लुक था। उसी ताल्लुक को निभाने के लिए आज देखिए दूर दराज से सफर करके अकाबरीन आपके पास पहुंचे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हजरत मौलाना फिदा रहमान के इस गुलशन को भी और जहाँ जहाँ गुलशन आपने सजाए हैं अल्लाह उनको आबाद रखे, और बड़े हजरत के जितने गुलशन हैं अल्लाह उन्हें भी क़यामत की सुबह तक आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم علماء امتي وانبياء بني اسرائيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك دائما أبدا وبعدد كل ذرة ألف ألف مرة وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى बयानात भी हो चुके, नमाज का टाइम हो चुका है और असल बयान हमारे मखदूम मुकर्रम हज़रत शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ैदुर राशिद साहब का बरकातुल मलालिया को भी सुनना चाहते हैं। अल्लाहु करीम, अल्लाह जल्ले जलालुहु ने क्या मतलब दीन को रखना है, क़यामत तक कुरान भी रहेगा, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहेगी, तो दीनी मदरसे भी रहेंगे तो उलमा भी रहेंगे। पहले दौर में भी अल्लाह जल्ले जलालुहु नबियों को भेजा करते थे और उनके लिए वक्त भी मुकर्रर और काम भी मुकर्रर, काम भी पूरा होता, वक्त भी पूरा होता, वो अल्लाह का नबी चला जाता, अल्लाह का दूसरा नबी भेज देता। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के सदके नबी नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ने उलमाए इकराम को, उलमाए हक को ये तौफीक दी है, उनका भी इंतखाब हो रहा है, आ रहे हैं,
दीन का काम कर कर करके हक अदा करते हुए जन्नत में जा रहे हैं, और क्या मतलब ये सिलसिला जारी रहेगा दीन को महफूज करने के लिए और क़यामत तक बाकी रखने के लिए। ये शक्लें हैं, एक सूरत मदारिस और मसाजिद कुरान और हदीस की तालीम है, एक सूरत खानकाही निज़ाम है, और भी सारे निज़ाम, सबसे बड़ा निज़ाम अमली प्रैक्टिकल तौर पर इस्लाम को महफूज रखने का है। अलवलद सिर्रुल अबी, हम अपने घरों में दीन को महफूज करें अमली तौर पर, मामूलात के एतबार से नमाज पढ़ने का हम एहतमाम करें, हमारी अगली नस्ल नमाजी बन जाएगी इंशाअल्लाह। अरे बाबा जो नमाज पढ़ता है, दादा जो पढ़ता है, अम्मी जो पढ़ती है, घर में कुरान मजीद की तिलावत होगी, अगली नस्ल इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पे लग जाएगी। तुम हदीस रसूलुल्लाह पढ़ोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सारी जिंदगी तमाम आमाल दीन जामे हैं, उन पर अमल करके हम इस इस्लाम को अगली नस्लों तक पहुंचाएं। हमारे हजरत अब्दस हजरत शेख अल हदीस मौलाना फिजा रहमान साहब दरखास्त थी, नबर अल्लाह मरतबहु, इस तस्वीर का एक दाना थे और इस तसलसल का एक मीनार थे, जिन्होंने माशाल्लाह जो हम एक सनद पीछे से लाते हैं कि हाफिज़ुल हदीस हज़रत दफासी रहमतुल्लाह, तो वो सनद कटी नहीं थी, आगे हज़रत मौलाना फिजा रहमान दरखास्त चल पड़े, माशाल्लाह वो अल्लाह को प्यारे हो गए, सनद कटती नहीं है। सारे साथी उनकी औलाद में हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मुद्दी लोग, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब मुद्दी लोग, और फिर इनकी आगे औलादे माशाल्लाह मौलाना हबीबुर रहमान साहब, हबीब अहमद साहब, और फिर मौलाना जुबैर साहब, माशाल्लाह एक तसलसल नजर आ रहा है। तो हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बड़ों ने कुरान और हदीस की तालीम के लिए ही अपने आप को वक्फ रखा अपनी औलादों को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी नस्ल में भी यही सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला इसको क़यामत तक चलाए इंशाअल्लाह। उन्होंने अपने बच्चों को अपने होते हुए मदारिस की जिम्मेदारियां संभाल ली थी, माशाल्लाह ये खुद नाने दादे बन गए हैं, तो ये चला रहे इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हमारे खानदान में माशाल्लाह सबके बड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब हाथ सब पर सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह उनके भी दिल में बरकत अता फरमाए। बड़े हजरत दरखासी रहमतुल्लाह का पूरा खानवादा गिनते चले जाएं, और वक्त भी नहीं है, दिल बड़ा करता है कि बहुत कुछ बयान किया जाए, पर सबसे यही दरख्वास्त है कि हम सबके लिए दुआ करते रहो, खुदा करे कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते दुनिया की जिंदगी हमारी पूरी हो जाए, हमें मिलकर दीन के काम करने की तौफीक अता फरमाए, आपस में मोहब्बत इखलास नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم محترم ومكرم سامعين ذي قدر अजीज दोस्तों बुजुर्गों उलमाए किराम खान वाले दरख्वास्ती से ताल्लुक रखने वाले प्यार और मोहब्बत रखने वाले दीन के मतवाले आज हम यहाँ मौजूद हैं। खान वाले दरख्वास्ती का ये तीसरा बड़ा इल्मी और रूहानी सानिहा है। 1994 में हाफिज़ुल हदीस वल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हुए। 2007 में वालिद मोहतरम शेखुल हदीस वल तफसीर हजरत मौलाना शफीकुर रहमान साहब दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हुए। ये 2019 का इख्तिताम था, 2020 की इब्तदा थी। जानशीन हाफिज़ुल हदीस
حضرت مولانا فضاؤ الرحمن صاحب درخواست کی رحمت اللہ علیہ بھی اس دنیا رنگ و بو سے رخصت ہوئے. بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے طویل عمر 103 سال کی عمر عطا فرمائی. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کو مسنون عمر 63 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی اور حضرت مولانا فضاؤ الرحمن صاحب درخواست کی رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ رب العزت نے ایک طویل عمر 80 سال کی عطا فرمائی. یہ دنیا میں قرآن اور حدیث کا پیغام سنا کر حق کا اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ والوں کی نظر میں اپنی ذات نہیں ہوتی، اللہ کا نام ہوتا ہے. ساری زندگی اسے کے گیت گاتے ہیں، ساری دنیا کو یہ پیغام سنا کے جاتے ہیں، سب کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے سب کہہ دو سبحان اللہ، درد دل سے کہہ دو سبحان اللہ. دنیا کو پتا چلے آپ درخواستی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ. ایک اللہ والا جا رہا تھا، نام اس کا بشر حافی ہے، زمین پہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اٹھا کے دیکھتا ہے لفظ اللہ لکھا تھا. اسے اللہ کے نام کے ساتھ پیار جو تھا، محبت جو تھی، وفا کا رشتہ تھا، اس نے اس نام کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، خوشبو سے معطر کیا اور بلند جگہ پر رکھ دیا. غیب سے صدا اور نداء آ گئی، اللہ والے آج تو نے میرے نام کو پاؤں سے لے کر سر تک بلند کیا، دیکھ لینا میں تیرے نام کو فرش سے لے کر عرش تک بلند و بالا کر دوں گا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. غیب سے صدا اور نداء آئی ہے، اللہ والے آج تو نے میرے نام کو خوشبو سے معطر کیا، مطہر اور پاکیزہ کیا، دیکھ لینا میں تیرے نام کی خوشبو مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کل کائنات میں پھیلا دوں گا. مولانا فضاؤ الرحمن درخواست کی خوشبو، جن لوگوں کو اللہ سے پیار تھا، نیکی سے پیار تھا، اللہ والوں سے پیار تھا، جنہوں نے گلی گلی نگر نگر حق کی شرح بلند کی، تو پروردگار نے ان کے نام کو بھی بلند و بالا اعلیٰ کر دیا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہارے حلوے اور مٹھائی میں وہ لطف اور مزہ نہیں جو میرے اللہ کے نام میں لطف اور مزہ ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، عظمت صحابہ، حب اہل بیت. عزیزوں میں کہا کرتا ہوں اور حقیقت یہی ہے، یہ ہمارے صرف چار نعرے نہیں بلکہ چار دعوے بھی ہیں، چار عقیدے بھی ہیں. ہم اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اہل بیت حضور کے گھرانے سے بھی اپنے پیار، محبت اور وفا کا اظہار کرتے ہیں. سب کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں کی روحیں بھی خوش ہو جائیں، سب کہہ دو سبحان اللہ. ایک اللہ والا صدا لگا رہا تھا، جنت دو قدم پر، جنت دو قدم پر. کسی نے کہا اللہ والے تو نے جنت کو بڑا سستا کر دیا. اس نے کہا ہاں جنت بڑی سستی ہے، تم اپنا پہلا قدم نفس اور شیطان پر رکھو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں پڑے گا. عزیزوں، مولانا ابوالحسن علی ندوی تشریف لائے، حضرت لاہوری کے پاس تفسیر پڑھی، کہا میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت لاہوری نے کہا کہ میرے مرشد حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ ابھی حیات ہیں، جاؤ خان پور دین پور کے خطے میں اس عرض پاک میں جاؤ، خلیفہ غلام محمد کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ. مولانا علی میاں تشریف لائے، خان پور اور دین پور تشریف لائے، 3 دن تک انہوں نے وہاں قیام کیا. فرماتے ہیں اس وقت میں نے اللہ والوں کی بستی کا یہ منظر دیکھا، خان پور اور دین پور کی میں نے یہ کیفیت دیکھی، جو دروازے پہ آتا تھا وہ
वो भी एक अल्लाह की सलाह लगाता था, जो अंदर से जवाब देता था वो भी एक अल्लाह की सलाह लगाता था। कहा दिन के उजालों में और रात की तारीकी और अंधेरे में मैंने खानपुर और दीनपुर की गलियों को इल्लाह की सलाहों से गूंजते हुए सुना। आप भी सलाह लगाते हैं इल्लाह इल्लाह। अरे हमारे बुजुर्गों ने यही काम किया। आज खान वाले दरखास्त की गमजदा तो है, दिल शिकस्ता तो है, लेकिन परेशान नहीं। हमने उसी रास्ते पर चलना है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया। ये हक का रास्ता होगा, ये सच का रास्ता होगा, ये कुरान और हदीस का रास्ता होगा, ये यकीन और ईमान का रास्ता होगा, और इंशाअल्लाह खान बाबे दरखास्त की इसी रास्ते पे चलेगा, नसल दर नसल चलेगा, ता कियामत चलेगा। और रब से दुआ कीजिए कि परवरदिगार कियामत तक हमारी नस्लों को भी कुरान और हदीस की खिदमत और इशाअत की तौफीक नसीब फरमा दे। तफसील का वक्त नहीं, लेकिन चंद झलकिए मैं जरूर देना चाहूंगा। हमारे बुजुर्गों ने रब का कुरान सुनाया, प्यारे नबी का फरमान सुनाया, गली गली ये नगर नगर यही ऐलान किया, आओ मोहम्मद के दीवाने बन जाओ, आओ शान वाले की अदाओं को अपनाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत, किरदार और अखलाक, आदात और अकवाल, दिन और रात, महीने और साल, पूरी जिंदगी की इत्तिबा करो। रब रहमान तुम्हारी दुनिया भी बना देंगे, आखिरत भी सजा देंगे। थोड़ी सी झलक देके बात खत्म करने लगा हूँ, ताकि मेरे बुजुर्गों की अदा समझ आ जाए, मेरे बुजुर्गों की रूह खुश हो जाए, मेरे बुजुर्गों का मिशन यहाँ कामिल हो जाए। सहाबा फरमाते हैं, मेरे नबी की सूरत और सीरत सुनो जो मेरे बुजुर्गों ने अपना ली है। सहाबा फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइम और बेश, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबस्सिमा। कहा प्यारे नबी अल्लाह की रजा पे राजी रहने वाले थे, मेरे नबी के चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट सजी रहती थी। अगर कोई दिल शिकस्ता और मगमूम आदमी भी मेरे नबी के चेहरे को देखता तो उसका दिल भी खुशी से भरपूर, मामूर और नूर नाना नूर हो जाता। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने कायनात में मोहम्मद से बढ़के कोई हुस्न जमाल वाला इंसान नहीं देखा। यूं लगता था कि सूरज आसमान से उतरा है और प्यारे नबी के चेहरे में चक्कर लगा रहा है, गर्दिश कर रहा है। हजरत हिंद में नबी हाला फरमाते हैं, या तलाला वजहु तलाल और कमर लैलत अलबदर, महबूब का चेहरा यूं चमकता था जैसे चौदहवीं रात का चांद चमकता है। हजरत बराह इब्न आज़म फरमाते हैं, मा रायतु मिन ज़ीनतिन फी हुल्लतिन हमरा अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नौजवान आदमी हो, खुसरो जमात वाला हो, उसकी काली सियाह जुल्फे हो, उसके कंधों पे सफेद चादर पड़ी हो, जिसमें सुर्ख धारियां और लकीरें हो, मैंने कायनात में मोहम्मद से बढ़ के ऐसे हुस्न और जमाल वाला कोई नौजवान नहीं देखा। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हजरत बराए इब्न आज़म फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास वजहा व अहसनुहुम खुल्का। मेरे नबी कायनात में चेहरे के एतबार से भी सबसे ज्यादा हसीन था और अखलाक के एतबार से भी मेरा नबी सबसे ज्यादा हसीन था। आखिरी दो बातें, ताकि मेरे बुजुर्गों की झलक आ जाए, उनकी रूहें खुश हो जाएं, उनका खानदान चल रहा है, दीन का प्रोग्राम चल रहा है, काफिले चल रहे हैं, काफिले रुके नहीं हैं, गाड़ियां चलेंगी और इंशाअल्लाह कियामत चलती हुई नजर आएंगी। अजीजों, मेरे प्यारे नबी का फरमान है, अनफरतुकुम अलल हौज, फरमाया है उम्मती में हौज कौसर पे तेरा वीर सामा और मुंतजर हूं। तू भूखा और प्यासा आएगा, मैं जान भर भर के तुझे पानी पिलाऊंगा।
मेरे नबी की आंख में प्यार है, मेरे नबी की आंख में इंतजार है। मैं कहता हूँ प्यार भी अपने करते हैं, इंतजार भी अपने करते हैं, लेकिन दुनिया में अगर किसी का कामिल प्यार है तो नाम उसका माँ है। बाप भी प्यार करता है लेकिन माँ सर से लेकर पांव तक प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, वफा ही वफा। किसी ने अपने लिए प्यार की इंतहा देखनी हो, मोहब्बत की इंतहा देखनी हो, वो अपनी माँ की आंख में देखे, उसे अपने लिए प्यार और मोहब्बत की इंतहा नजर आ जाए। अब मेरे प्यारे नबी ने ऐलान फरमा दिया, उम्मत की सुन और खुश हो जा। फरमाया फौजी मसीहत शारे जबा बाब सबा कीजा मुहु कादत नुजूम समा। फरमाया मेरा हौज एक महीने की मसाफत लंबा और चौड़ा होगा, मेरे हौज के किनारे बराबर होंगे, मेरे हौज पे जाम और प्याले इतने बेशुमार जितना आसमान के सितारे बेशुमार। فرمایا ما هو ابيض من اللبن احلى من العسل اطيب من المسك। میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, مشک عنبر اور کافور سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ من من را علی شربا ومن شرب علی ازما ابدا, جو امتی حوض پہ میرے پاس آئے گا میں محمد خود اسے جان بھر بھر کے پانی پلاؤں گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ جسے میرے حوض کا ایک جام ایک پیالہ ایک گھونٹ پانی نصیب ہوا, اسے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس لڑ پائے۔ بس آخری بات, میرے نبی نے سبق دیا ہے, میری اور آپ کی خوشی بھی دین کے تابع ہے, غم بھی دین کے تابع ہے۔ اس لیے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی, فجعلت عینا رسول اللہ تذرفان, پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بن کے نیچے گرنے لگے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ موجود تھے, تو کہا وانت یا رسول اللہ محبوب آپ بھی رو رہے ہیں, کیونکہ عرب مردوں کا رونا اسے شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رویا تو عورتیں کرتی ہیں, بھلا مرد بھی کبھی رویا کرتے ہیں؟ تو کہا انت یا رسول اللہ محبوب آپ بھی رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا جی نہا رحمہ, آنکھ میں آنسو ہو دل میں غم ہو یہ رحمت ہے۔ فرمایا ان لائک قدما والقلب يحزن ولا تقول الا ما يرضى ربنا, آنکھ میں آنسو ہوگا دل میں غم ہوگا لیکن زبان پہ وہی جملے آئیں گے کہ آج تو میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ کہا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى۔ فرمایا عطا بھی رب کی تھی اور یہ قضا اور فیصلہ بھی رب کا ہے, ہم رب کی عطا پہ بھی راضی تھے, رب کی قضا اور فیصلے بھی ہم راضی تھے۔ تو عزیزو حضرت انس سے روایت ہے, زار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی ہی فبقا وابقا من حوله, پیارے نبی نے مقام ابوا میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے قبر کی زیارت کی دیدار کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں محبوب خود بھی روئے اور ہم سب کو بھی رلا دیا۔ جانے والوں کا غم دلوں میں سلامت رہتا ہے اور رہنا چاہیے, ان کی یاد آنکھ میں آنسو بن کے اور ان کی تڑپ دل میں غم بن کے رہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ آج جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فضاء الرحمن صاحب درخواست کی رحمت اللہ علیہ, وہ شخص گلی گلی نگر نگر پھرا, پوری دنیا مشرق و مغرب تک پہنچے, پورے ملک میں انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا, آج ان کی تعزیت بھی پوری دنیا میں اور تعزیتی پروگرام بھی پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ خانپور میں بھی تعزیتی پروگرام چلتے رہے, کراچی میں بھی چلتے رہے, آج یہ ان کا بنایا ہوا مرکز ہے, سجایا ہوا گلشن ہے,
حسن عبدان کے مرکز درخواست کی، پورا خان بادہ درخواست کی، الحمدللہ یہاں موجود ہیں، آپ حضرات محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں، ان کے بیٹے برادر محترم قاری حسین احمد صاحب درخواست کی، برادر محترم قاری رشید احمد درخواست کی بھی موجود ہیں، الحمدللہ یہ نئے دیوانے ہیں، کہا دیوانہ اسے کہتے ہیں کہ ہر وقت زبان پہ رب کا نام ہو کہ دنیا اسے مجنوں اور دیوانہ کہے، تو پرانے دیوانے چلے گئے، انشاءاللہ اب اس کام کو نئے دیوانوں نے سنبھالنا ہے، کہا نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ برادری حضرت مولانا فضاء الرحمان صاحب درخواست کی رحمت اللہ علیہ، ان کے لگائے ہوئے سجائے ہوئے گلشن کو ان کے بیٹے آباد بھی کریں گے، شاد بھی کریں گے، اور دعا رب رحمان سے یہی ہے پروردگار عالم ان کی اولاد کو، پورے خانوادہ درخواستی کو یوں ہی دین کا کام کرنے کی، حق اور سچ کی صدا بلند کرنے کی اور دین حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب رحمان میری اور آپ کی حاضری اور شرکت بھی مقبول اور منظور فرمائے۔ وقت مختصر تھا، چند باتیں آ گئیں، جو سنا جو کہا جو سنا، پروردگار عالم مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارے بزرگوں کی صدا تھی کہ پیارے نبی کی صورت و سیرت کو اپنایا جائے، اوصاف کو اپنایا جائے اور گلی گلی نگر نگر اس کے گیت گائے جائیں، رب رحمان ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الكونين وسقلين رحمة للعالمين امام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ علماء کرام، اکابرین، آج ہم جانشین حافظ العزیز حضرت مولانا فضاء الرحمان درخواستی رحمہ اللہ رحمت اللہ بادشاہ کی اس تعزیتی پروگرام میں ہیں۔ میرا 1908 سے حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے ساتھ 1980 تک تعلق رہا اور میں ان سے دہت بھی 1963 میں ہوا گزرن والا میں۔ میرے محترم حضرات گرامی، 22 سال سے حضرت مولانا فضاء الرحمان درخواستی رحمہ اللہ رحمت اللہ بادشاہ کے ساتھ تعلق رہا۔ ہمارے تمام منصرات تاثیر پر اور باقی کہاں کہ عوام و خاص، علماء، قرائے اطراف اور عامی عوام لوگ، عوامی لوگ اور خصوصاً سادات کاران کے ساتھ ان کا تعلق رہا اور الحمدللہ ان کا فیض ہمارے وادی کہاں میں بہت بڑا فیض ہوا، بہت بڑی وہاں پہ انہوں نے ہر ایک شخص کو اپنی اس طریقے کار سے سمجھایا۔ الحمدللہ کتنی فتنے تھے، کتنی معاملات تھے، وہ سب وہ حل ہو گئے۔ ہمارے قاضی میرم صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنا فیض ہماری وادی کو تاثیر پر رپورٹ ہوا پوری دنیا میں ہوا، لیکن ہمارے ہم اس فیض سے معلوم ہو گئے۔ الحمدللہ جو حضرت پیر صاحب بیان کر رہے تھے کہ تین قسم کے صدقے ہوتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا اولاد اور تیسرا، تین قسم کے، تو وہ الحمدللہ ان کی ہم سب روحانی اولاد ہیں اور ان کے مدارس و مساجد اور ان کا روحانی فیض قرآن و حدیث کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں جیسا کہ مولانا فضاء الرحمان درخواستی رحمان نے اپنے بزرگ حضرت رئیس حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کے مشن کو جاریہ کا، الحمدللہ آج ہم بھی یہ یاد کرتے ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں اور ان کی جتنے بھی درخواستی برادران پسران ہیں، انشاءاللہ ہم بھی یہ یاد کرتے ہیں کہ ان کے مشن کو
हर जगह पर जाएंगे और उस पर अमल करेंगे। बस ये चंद बातें मैंने कह दी है। अल्लाह अपने दरबार को कबूल मंजूर फरमाए, हजरत को दर्जात तौर पर मंजूर फरमाए, आपकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, जन्नत के अंदर अभी सुकून नसीब फरमाए। आप और दाना हम मेरे नाम के नाम दो मिनट के लिए तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन पाकिस्तानी, ये जामिया अलिया मखसूम के फजला में से हैं। यहाँ इस्लामाबाद में काफी अरसे से दीन का काम कर रहे हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि दो मिनट में ही अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفه المؤمن الموت امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे इंतहाई मोहतरम उलमाए किराम, मुअज्जिज़ीन गिरामी, आज हम सबका यहाँ जमा होना इस ताज़ियती जलसे में जानिशीन हाफिज़ुल हदीस हज़रत मौलाना फिराउर रहमान दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह हमें दावे फराहत देकर दुनिया से चले गए। मैं जामिया मकसद उलूम खानपुर में सन 1991 से लेके 94 तक फिरी की सरपरस्ती में करंडा मोहम्मद पना में 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से पेशकदों का रहने वाला हूँ। इस खानदान की सरपरस्ती में आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम और इन हजरात की सरपरस्ती से हजरत मौलाना फजलुर रहमान दरख्वास्ती मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना खलीलुर रहमान दरख्वास्ती मुफ्ती अकीमुर रहमान इन हजरात की सरपरस्ती की वजह से दूर उफ्ताला इलाके का तालिबे इल्म जो मकसद उलूम खानपुर में 4 साल इनकी तरबियत में रहने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह फिरी इस्लामाबाद में सरपरस्ती करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है गिलगित बल्तिस्तान के 250 उलमा फिरी इस्लामाबाद में दीन के काम कर रहे हैं। हमारा मदरसा है यहाँ पर इस्लामाबाद में जहाँ दो हदीस का किताबें हैं। हजरत की दुआओं की बरकत से मैं एक हकीर सा तालिबे इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से दो हदीस का किताबें बुखारी शरीफ तक पढ़ा रहा हूँ। ये अल्लाह का फजल करम है। मैंने ये तजर्बा किया है अपनी जिंदगी में इस खानदान के साथ हजरत दरख्वास्ती की मुनासिबत और फेस इतना ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के साहिब से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और चीन के बॉर्डर तक आज अगर दीन का काम इस अंदाज से हो रहा है तो ये हजरत दरख्वास्ती की दुआएं और इस खानदान की सरपरस्ती है। तो इस मुबारक मजलिस में मैं अपने आने को सादत समझता हूं और मैं इकराम से दरख्वास्त करता हूं हजरत के फेस को जारी रखने के लिए हम सबको इस खानदान के साथ मोहब्बत का बर्ताव करना, इनकी सरपरस्ती को कबूल करना ये हमारा अखलाकी और मजहबी फरीजा है। अल्लाह हम सबको दीन की मेहनत में इनकी सरपरस्ती कबूल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जमीयत हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बड़े हमारे सरपरस्त हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब दामाद आलिया तशरीफ लाए, चूंकि उन्होंने और 2-3 प्रोग्राम हैं आज ही उन्होंने वहाँ भी जाने हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएँ। मोहतरम उलमाए किराम,
दीनदार भाइयों और अजीज बच्चों, हमें एक नेमत मिली है तो आपको भी बता रहे हैं किस नेमत से मदद है।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करने के लिए जमा है। हमारे दाय दरख्वास्ती भी मौजूद है, अदमान दरख्वास्ती, अदमान दरख्वास्ती और बराजान भी और बच्चे भी और अजीज भी सब मौजूद हैं। उनके साथ ताजी करने के लिए और इलाके के दोस्तों के साथ अल्लाह तबारक हमारी हाजिरी को अदमान दरख्वास्ती अपने वालद गरानी हज़रत मौलाना मोहम्मद दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ जानशीन ही नहीं थे, उनकी रिवायात और ज़ौक के अमीन भी थे। सरपरस्त देख लें, जमातों के सरपरस्त देख लें, अल्लाह ताला की वाफ़रें देख लें, कुरान पाक का ज़ौक देख लें, नबी करीम की मत अवराब सुनने सुनाने का ज़ौक देख लें और दुनिया भर में दीन की आवाज़ लगाने का ज़ौक देख लें। दरख्वासी रहमतुल्लाह की याद ताज़ा हो जाती थी, उनके ज़ौक को हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में देख कर मैं बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, वक्त नहीं है, पर तकरीबन 50 साल रिफाकत रही है उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह रिफाकत, इसको रिफाकत कहते हैं, वही रिफाकत 50 साल रही है और आखिर वक्त तक हमारी रिफाकत रही है दीन के कामों के लिए। मौलाना की दुनिया का मकसद ही था दीन के कामों के लिए। हम मुल्क में लिफाज इस्लाम की जद्दोजहद में, शरीयत की जद्दोजहद में, जिहाद के फरोग की जद्दोजहद में और कुरान पाक की तालीम के दरख्वासी रहमतुल्लाह का जो मिशन था, बड़े हज़रत दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह का उस मिशन के दरख्वासी का मिशन क्या था, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ कि वो दीनपुर शरीफ के नुमाइंदे थे, दीनपुर शरीफ की रवायात के पासदार थे और शाहपुरहिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद और फिक्र के अमीन थे। दीनपुर शरीफ, अमरोड शरीफ, शेरावाला, ये सब हज़रत शाहपुरहिंद रहमतुल्लाह अलैह की रवायात, फिक्र, उनकी जद्दोजहद की मराकज हैं। ये सारे इन्होंने इस इलाके में दीन की खिदमत की है और मैं समझता हूँ कि आज भी हज़रत शाहपुरहिंद का मिशन मौजूद है, जिंदा है। मैं यह करना चाहूँगा कि इस ज़ौक को जिंदा रखने की आज ज़्यादा ज़रूरत है, मदारस के हवाले से भी, अल्लाह ताला के जिक्र के हवाले से भी, नई नस्ल को संभालने के हवाले से भी, कुरान पाक की तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से भी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत और हदीस के ज़्यादा से ज़्यादा आम करने के हवाले से भी। मैंने मौलाना दरख्वासी को अमेरिका में भी हम साथ रहे हैं, ताशकंद में भी साथ रहे हैं, सऊदीया में भी इकट्ठा वक्त गुजारा है, बहुत से ममालिक बरतानिया में तो बहुत हमारे साथ इकट्ठे रहे हैं। हर जगह इसी काम पर देखा है, या मदरसे की फिक्र कर रहे हैं, या अल्लाह की फिक्र कर रहे हैं, कुरान पाक सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा बरतानिया में ये हजरत बड़े दरख्वासी का जवाब था हदीसें याद करने का, आप जो हदीस थे अपने मुआसिर मुहद्दिसीन में हदीस रसूल के सबसे बड़े हाफिज थे और हाफिज ने ये नहीं याद करनी थी, आखिर वक्त तक याद थी। ये पुराने ज़माने में मुहद्दिसीन में जो लोग देखते थे कि फला हाफिज हदीस को एक रात हदीसें याद है, फला को 10,000 याद है, फला को इतनी याद है, तो इस दौर में हमने उसका नमूना अपनी आँखों से हज़रत दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में देखा। फिर ये था कि आदमी दौक अब वो उस दर्जे में नजर नहीं आ रहा, उन्होंने मौलाना रहमान साहब से एक बार जिक्र किया कि मैंने शेखुपुरा में दो चार दोस्तों को देखा है, फिर बुखारी की याद की है, इतने खुश हुए कहते मुझे वहाँ ले भी चलो कि ये हमारे बुजुर्गों का दौक है, हमारे शेखुपुरा में करता है दोस्तों का हदीब बुखारी शीफ की दुआ याद कर रहे। और फिर उसको देख कर बरतानिया में शेर के इलाके में अजमान दौर पर हल्का बनाया और इसे याद करने का दौर भी पैदा कर दिया।
याद करने का, याद रखने का। और ये वाकई बात यह है, मैं अपने एहसास के आधार पर बचा हुआ हाफिज़ुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बरकाती रहमतुल्लाह, उनका तो लॉबी ये था, मुझे नहीं याद सभी थोड़ा 17 साल उनके साथ भी बतौर कारकुन के के मुझे साथ रहने का इतफाक हुआ है, मौका मिला है। मुझे नहीं याद कि 5 आदमियों की मजलिस है या 500 का इज्तिमा है या 5 हज़ार का लड़का है, हज़रत खासिर कोई हदीस हज़ रही हो, खाने पर बैठे हैं कोई हदीस चल रही है, मजलिस में बैठे हैं कोई हदीस चल रही है। एक फर्क था कि हज़रत खासिर हज़रत बाबुल हदीस है। मैं अगर कसम उठाऊँ तो हानि नहीं होगा कि मैंने कोई मजलिस ऐसी नहीं देखी हज़रत खासिर ने कोई उनको हदीस न सुनाई, लेकिन अकबर रहमान खासी जी सुनने की बात कोई साहब बैठे और सुना दो, कोई आदमी सामने बैठा कुरान सुना दो, रात सुना दो, दूसरी बात वाला सुना दो, आखिरी बजर साहब अगर आपने देखी भी होगी पढ़ी भी होगी कि आखिरी बजर सवाल दो दिन पहले हुई है सवाल मुझे क्या हुआ, पर हम साथी गए मिले तो आखिरी मजलिस भी यही थी, उनके वाले साहब जो आखिरी मजलिस थी वो भी यही थी, बैठे 5-7-10 दोस्त तिलावत करते और साहब के यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तिलावत की, आफत मरीन साहब के यहाँ तशरीफ फरमाया, इन्होंने नाद पढ़ी, मुझे पहले को हदीस सुना दो, मैंने हदीस सुनाई और फिर दुआ की, यानी 4 बातें उनकी बातों का हिस्सा थी अक्सर होती है, तिलावत नाद हदीस या सुननी है या सुनानी है और फिर दुआ, ये उनकी माफल के लवाजमात थे। और ये बड़े हज़रत खासिर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौक का इजहार था, अल्लाह पाक ने उनको अपने वालिद मोहतरम का ज़ौक का नुमाइंदा बनाया था, रवायात का नुमाइंदा बनाया था, जिंदगी भर दुनिया के उत्तर भारतों में घूमते फिरते दीन की खिदमत करते हुए दुनिया से चले गए हैं। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें समझना चाहूँगा। एक बात ये खानवाजा दरखास्ती दरखास्ती रहमतुल्लाह की रवायात के सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, इकट्ठे हम लोग गुजारा है, अगले हमारे बच्चे हैं, सच्ची बात बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है कि अब चौथी बल्कि 5वीं नस्ल भी देख रहा हूँ कि 5वीं नस्ल में भी अब वो आगे सिलसिला चल रहा है। और ये बात सुनी थी कि अगली नस्ल में दीन की बात चलना पिछली नस्ल की कबूलियत के अलावा नहीं है। और 5वीं नस्ल देख रहा हूँ जैसे फासिल अहमदारे की दीन पे कायम है, दीन की खिदमत पे कायम है। तो मैं खानवाजे दरखास्ती के साथ एक हमदर ये यकजहती का इजहार करने के लिए खादिम था, खादिम हूँ, खादिम रहूँ कराची में मैंने देखा कि खासी के पोते उसके भी मैं खिदमत कर रहे हैं, यहाँ मैंने देखा उनके दूसरे पोते खासी खिदमत कर रहे हैं। सच्ची बात में अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता। मैं इन दोनों बच्चों से मैंने कहा कि मेरा आपसे वैसे ही ताल्लुक रहेगा जैसे आपके बड़ों से था, बड़े बफदार हैं बच्चे हैं, मैं भी पूरी मांगी और जखेती का इजहार करना चाहूँगा, लेकिन आखिरी बात मैं हराजे वाले से करूँगा, यानी मरकज से उन्होंने आपके लिए बनाया था, उन्होंने विश्वा मरकज बनाया जिनका बहुत मेरा मरकज भी था, आने जाने का बड़ा ठिकाना ही अनुराम था कराची में। और यहाँ से हदीस मैं अराके वालों से एक बात कहना चाहूँगा कि हजरत तो दुनिया से चले गए हैं और ये अमारत आपके हवाले कर गए हैं, मैं अराके वालों से उनको दरख्वास करूँगा इस मरकज को संभालना, इसकी आबादी की फिक्र करना, इसकी तरक्की की फिक्र करना, जब सारी जिम्मेदारी किसको मुंतकिल हो गई है इस मरकज को आबाद रखना, इसकी तरक्की के लिए काम करना, इसको आगे बढ़ाने के लिए फिक्र करना, और वो खराब तो पुर नहीं होगा तो बस उनके लिए खराब तो पुर नहीं होगा
लेकिन हालात को कम तो किया जा सकता है। तो ये किसे करना है? दरख्वास्त रफ़ा ने और इलाके के लोगों ने। मैं दरख्वास्त करूँगा इलाके के रवाय ग्राम से, इलाके के दीनी हल्के, इलाके के आवाम से, दीनदार लोगों से, इस मरकज़ को आबाद रखना, इसकी तरक्की के लिए फिक्रमंद होना। आपकी जिम्मेदारी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह पाक हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद से बुलंद तर फरमाए और हमें उनके मिशन पर इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। हमें उनके मिशन पर कायम रहने की आखिर वक्त तक उनके बयान के तसलसल को कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। उनका ये मरकज भी कराची वाला नागपुर भी पथौर वाला भी पीसीओ मदारस के वो सरपंच तो सैकड़ों के थे, पीसीओ के बारे में वो बड़े हद तक खास अलहमदिल्ला की बात की जा रही थी। अल्लाह पाक उनके तमाम मराकज़ को आबाद रखे और हम सबको उनके मिशन पर चलते चलते हुए उनकी रवायात को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। इस इलाके की और इस जिले की दिल अजीज और शहीद शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हजरत मौलाना काजी अरशद हुसैनी साहब दामद फिरोजहुम, जो इस नाचीज की एक काल के ऊपर जो कि हजरत की बेदबी और गुस्ताखी थी, लेकिन चूंकि वक्त कम था मैं जा नहीं सका हजरत की खिदमत में दावत के लिए, उस पर तशरीफ लाए और इस इदारे के साथ हजरत का और हजरत के ख़ानदान का ताल्लुक और हमारे ख़ानदान का ताल्लुक बहुत गहरा रहा। हजरत भी जब हजरत को बुलाते थे तो हजरत उनकी आदना सी दरख्वास्त पर तशरीफ ले आया करते थे और ये ताल्लुक की बुनियाद पर है। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत का कि हजरत ने दस्ती शफकत मेरे साथ को रखा और इस इदारे को शर्फ ज़्यारत बख्शा। अब मैं बिला ताखिर खिताब की दावत देने वाला हूँ। मुसनफ़ के दौरान शेख हदीस हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब दामत फ़िरोज़हुम, जो कि मुहतरम हैं जामे अबू हुरैरा के और हजरत के पुराने रुफ़का में से हैं, और बावजूद इसके के हजरत खुद भी इन दिनों में काफ़ी अलीम हैं और अदालत की सबसे अहम बात जो है वो ये कि हजरत आजकल दर्स भी नहीं दे रहे हजरत के साहबजादे से पता चला, लेकिन हजरत ने फरमाया कि मैं इस मरकज में हजरत की ताजियत की नशिस्त में ज़रूर बात करूँगा। तो मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब का नाम बरकातुहुम आमिया। जनाब हाजी सलाहुद्दीन साहब टेक्सला से इनका ताल्लुक है। इंसान इस दुनिया से जब जाता है कुछ चीजें उसके लिए सदका जारिया होती हैं। एक तो उसके अपने किए हुए आमाल जो कब्र में उसके साथ होते हैं और उसकी कब्र को रोशन करते हैं, उसकी कब्र को गुलजार बनाते हैं। हजरत दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके आमाल का क्या कहना और उनकी इस्तेकामत और इबादात की चाशनी और गहराई, इबादात की पूरी कैफियत, ये हजरात तो ऐसे हैं कि इनको ये सब चीजें नसीब होती। आमाल तो उनके ऐसे थे कि बेधड़क बगैर झिझक के हम अपनी जुबान से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके आमाल को इंतहाई आला दर्जे पर कबूल किया होगा।
हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत का मामूल था इस आदत के बावजूद असर से लेकर मगरिब तक का अक्सर वक्त मुकम्मल तिलावत में गुजारा करते थे। कोई भी मजलिस कायम होती छोटी हो या बड़ी हर मजलिस की इब्तिदा तिलावत कुरान से होती। कलामुल्लाह की तिलावत के बगैर अपनी बात शुरू नहीं करते। कोई मुहद्दिस अगर महफिल में मौजूद होता तो उससे कुछ अहदीसें पढ़वाया करते थे। ये उनका एक जोक और शौक था और एक बड़े मजमे और एक बड़े तबके के शेख थे। बहुत से लोगों ने उनसे बैत की। आमाल को भी कई मकाम था आमाल का और दूसरी चीज होती है कि इंसान का लगाया हुआ खर्च किया हुआ माल ये इंसान को जाने के बाद काम देता है। इस आमाल की वजह से इस लगाए हुए माल की वजह से इसके आमाल जारी रहते हैं। यह सबसे जारिया बनता है। तीसरी चीज है कि इंसान की नस्ल और भेद खोला। दुनिया जानती है जिस तरीके से बड़े हजरत हजरत अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने पीछे जिस तरीके से खुद अल्लाह के इंतहाई बरगुजीदा बंदे और वली थे अपनी औलाद को भी वही दर्श किया वही रास्ता दिखाया और औलाद उसी तरीके पर चली और उसके बाद हजरत फिरावान दरखास्त के रहमतुल्लाह अलैह उनकी औलाद को देखा जाए तो वो भी ऐसे ही पुरनूर और पुरौनक चेहरे आमाल से भरपूर जिंदगियां पाकीज़ा माहौल और सब के सब दरसो तदरीस कारला कारा रसूल में मसरूफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं अब हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान में जो जगह जगह अपने इदारे कायम किए उन्हीं इदारों में से एक मस्जिद है इस्लामाबाद की जामा मस्जिद अशरिया। उनके इमाम साहब मौलाना खलील अहमद कारी खलीलुल्लाह हाशमी साहब इनको दावत देता हूँ कि आए और कुछ हम्बिया कलिमात या नज़म पेश करें। बख्शिश कदर या
जब आपको पा दिल की आई कर
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يعقر كبيرنا فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دروشي بارك الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هم سب کے مختوم و مکرم حضرت حافظ الحدیث نور اللہ برقدہ کے جانشین بڑے صاحبزادے وہ بھی ہمارے مخدوم تھے محترم تھے اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے آج ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ تعزیت کی اجتماع منعقد کیا گیا اور عزیزم حافظ مولوی زبیر احمد درخواست دی نے مجھے حکم فرمایا میں بھی حاضر ہو گیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی طرح ہے ہی نہیں جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں موت و حیات کو بیان فرمایا وہاں پہلے موت کو بیان فرمایا کئی فتح فرمون باللہ وکنتم امواتا فاحیا دوسری جگہ فرما الذی خلق الموت والحیات اس دنیا میں سب سے عظیم کائنات انسانی کی عظیم ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلقا حضرت مولانا فقہ رحمان درخواستی نمبر اللہ برقدہ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت تھی اور ایسے لوگوں کی شخصیت سے اور ان کی زندگی سے پچھلوں کو سبق ملتا ہے اور عمل کی راہیں ان کے لیے مقرر ہوتی ہیں میرا چونکہ حضرت کے ساتھ کوئی اتنا بہت زیادہ تعلق نہیں تھا زیادہ دیر حضرت کی خدمت میں نہ رہا لیکن جو چند ملاقاتیں ہوئیں اس میں جو میں نے ان کی سب سے ایک اعلیٰ صفت دیکھی وہ چھوٹوں پر شفقت تھی غالباً 1980 میں حضرت
حافظ الحدیث نور اللہ بلقدعون نے خانپور میں ایک اجتماع رکھا تھا دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ اجتماع کے بعد. دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ اجتماع میں بھی میری حاضری ہوئی تھی. پھر حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خانپور میں ایک اجتماع رکھا تھا کہ پاکستان کی تمام جماعتوں کو جو اس مسئلے دیوبند سے منسلک ہیں کو الیکشن کیا جائے. تو بہت عظیم شان اجتماع تھا. میں کراچی گیا ہوا تھا تو واپسی پر حضرت کے ساتھ ریل میں کچھ آنا ہوا. میری حضرت مولانا فدا الرحمان درخواست رحمۃ اللہ سے یہ پہلی ملاقات تھی. میری عمر بھی تھوڑی تھی لیکن اتنی حضرت نے شفقت فرمائی بار بار پوچھتے تھے بھائی کوئی چیز تو نہیں چاہیے, کوئی تکلیف تو نہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا. آج مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بڑوں کی شفقتیں ہوتی ہیں اور یہ عین اس حدیث پاک پر عمل ہوتا ہے جس میں فرمایا من لم یرحم صغیرا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ولم یعطی کبیرا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا عزت نہیں کرتا. پر ایسا ملتا ہم میں سے نہیں. تو یہاں صغیرا کو پہلے فرمایا, چھوٹوں کو پہلے فرمایا, بڑوں کو بعد میں فرمایا. ملدم یرحم صغیرا پہلے تھا ولم یعطی کبیرا بعد میں ہے. تو یہ ہمارے قابل کی ایک شان تھی, بڑی شفقت تھی. اور تفصیل سے ان کی باتیں وہی ہمارے علماء بیان فرمائیں گے جن کا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا. لیکن ہماری تو مختصر سی ملاقات بھی تھی, اس میں حضرت نے ہمیشہ ہی بڑی شفقت فرمائی, بڑی بشاشت کے ساتھ ملے. اور جس طرح باقی چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے اس کا حضرت نے حق ادا فرمایا. دوسری میں نے حدیث پڑھی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے, صدقہ جاریہ. کوئی صدقہ جاریہ کر گیا وہ چلا گیا مگر پیچھے وہ چیز بطور صدقہ جاریہ کے جاری ساتھی ہے, اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں کا انتقال ہو گیا. اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے, بعد میں حاضر خدمت ہوئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میں سفر پر تھا, میری اماں فوت ہو گئی, اب میں اگر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا؟ قال نعم, فرمایا ہاں ثواب پہنچے. حضرت کی کیا صدقہ کروں؟ فرما پانی کا صدقہ بہت اچھا ہے. پانی کی ضرورت تھی. آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک ہی کنواں تھا پیچھے پانی کا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کی جہاں زیادہ ضرورت ہونا اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. جس صدقے کی جہاں جتنی زیادہ ضرورت ہو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے مدینہ منورہ سے اس راستے میں جو مکہ مکرمہ جا رہا تھا میں کنواں کھدوایا اور اس کو وقف کر دیا. اس کنویں کا نام ہے بیر ام سعد. اور آج سے گزشتہ
में कहाँ मिलता है, तो गया 1350 साल तक वो कुआं रहा। तो जितने हुज्जाज के आम गुजरे उस वक्त के हाजी, आजकल के नहीं, आजकल के हाजी को हम जैसे मैं भी जैसे कर्ज करता हूं, उस वक्त के जो हुज्जाज के आम थे उन्होंने उस कुएं से पानी पिया, गुस्ल किया, वजू किया, आटे गूंदे, सब्जियां पकाई, उनकी सवारियों में पानी पिया, तो उस सब का सवाब साथ की अम्मा को पहुंचा कि ना पहुंचा? जी आप हैरान होंगे इस वक्त भी मदीना मुनव्वरा की म्यूनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का अकाउंट खुला हुआ है। इस वक्त उसका अकाउंट है, वो अकाउंट है उस्मान इब्ने अफ्फान, क्योंकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की जो चीजें वक्फ की मदीना मुनव्वरा में मौजूद है ना, मदीना तैयबा वही है, जमीने वही है। तो चलते चलते अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये किया है कि उनकी उस सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ थी उसका बाकायदा एक ट्रस्ट वगैरह बना के हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर उसका रकम, उसका पैसा सारा इकट्ठा करके फिर आगे कुछ बनाते हैं और फिर पैसे जमा होते हैं। एक दोस्त ने मुझे वहां मदीना मुनव्वरा में बताया कि एक बहुत बड़ा होटल बन रहा है हुज्जाज के लिए, उसका नाम है फुतुह उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनका सत्ता जारिया आज तक जारी है और इंशाअल्लाह ताकयाम कयामत जारी रहेगा। तो फरमा सदका ने जारिया, कोई अपने हाथ से सदका का किया, एक रिश्ते भी समान बराबर पहुंचता है। दूसरा फरमा नेक औलाद छोड़ दिया, नेक औलाद, नेक औलाद भी सदका जारिया होती है। लेकिन मैं यह रखता हूं एक औलाद के लिए सूरह फरमान के आखिर में जो इबादुर रहमान की 19 निशानियां हैं उनमें ये भी फरमाया कि वल्लदीन यकूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुन। वह इबादुर रहमान अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं, ऐ हमारे रब बख्श दे हमारे लिए, हबलना बख्श दे, ये अल्लाह की अता और अल्लाह की बख्शिश होती है, हबलना इबादत का बख्श दे हमारे लिए अपनी तरफ से ऐसी घर वाले और ऐसी औलाद कुर्रता आयुन जिनको देख करके मेरी आंखें ठंडी हो जाए। मैं अपने बच्चों को देखूं, अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को मेरे सामने फिर रहे हो तो उनको देख के मेरी आंखें ठंडी हो जाए। लेकिन ये याद रखो ये दुआ यहां तक नहीं है, इससे भी आगे भी है। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा और मुझे मुत्तकियों का इमाम बना, मैं खुद पहले नेक हो जाऊं फिर मेरी औलाद पीछे होगी। इमाम आगे होता है कि पीछे होता है? इमाम आगे होता है ना, मुक्तदी शागिर्द मुरीद सब पीछे होते हैं, मैं इमाम आगे, मैं ठीक हूं और आज भी ठीक हो जाएगी। और ये क्या हमने कमी है कि औलाद को तो हम नेक बनाते हैं मगर खुद इस तरह को तो नहीं करते। जानना है मुक्तदी ना इमामा, दो चीजें और तीसरी और इल्म नहीं तकोगे या आलिम दुनिया से चला गया इल्म छोड़ गया जब तक उसके शागिर्द पढ़ते पढ़ाते हैं आलिम की कब्र पर रहमत बस दे। तो ये तीन चीजें भाई इसका समापा मेरे मुस्तकिल रहता है जारी रहता है। तो वो कितना खुशकिस्मत खुश नसीब है जिसके सवाब के ये तीनों चश्मे जारी हैं। उनके हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मदारिस और जगह जगह मस्जिदें मदरसे के, और दूसरा उनकी अपनी नेक औलाद
अल्हम्दुलिल्लाह बेटे पोते आगे कुरान के हाफिज आलिम मस्जिदों को आबाद करने वाले अल्लाह का जिक्र करने वाले और जितनी देर पढ़ाया कराची में भी दूसरी जगह जहां हजरत तशरीफ ले जाते थे वो जगह मदरसा बन जाता जहां बैठते मदरसा कायम हो गया। दीन की बातें हो रही हैं हदीस पढ़ी जा रही है नाचिन हो रही है दुआएं हो रही है तो ये मदरसा बन गया ना हर वक्त दीन की बात हर वक्त दीन की बात। तो ये सारी की सारी चीजें हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए बाएसे अजल हैं बाएसे मगफरत हैं सदका जारियां हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत के फ्यूज़ और बरकात को क़यामत की सुबह तक आम और ताम फरमाए और उनके सदक़ात जारिया को भी अल्लाह ताला इसी तरह जारी सारी रखने की सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अदहु व सलातु व सलाम अला मन्ना नबी अल्लाह व बाद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم। मेरे शेख मेरे शहजादे हम सब के इश्रों के ताज सदर महफल हजरत मौलाना अफजुर्रहमान साहब दरखास्ती इस इदारे की बारों के अमीन हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब दरखास्ती खानवादे दरखास्ती के सारे काबिल एहतराम बुजुर्गो अजीजों दोस्तों मैं तो अपने लिए इस मजलिस की शिरकत को बहुत बड़ा एजाज समझता हूं। बड़े बड़े हजरात तशरीफ फरमा हैं इनके सामने जब शायद को सुअदब भी समझता हूं लेकिन मजलिस की बरकत के पेश नजर चंद कलिमात अर्ज करना इंतहाई जरूरी समझता हूं। बड़े अदब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बड़ा बुलाने का तो था ऐसी मरतबा सन 1958 में कारी रमनाम साहब का एक मदरसा मालापा शाफी राजपिंडी हुआ करता था वहां रात पत्र दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का बयान था तालिबे इल्म थे वहां पहली मरतबा उनका बयान सुना उसके बाद ऐसा रूहानी ताल्लुक कायम हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में हजरत मोहब्बत उतार दी और दिलो दिमाग हजरत के गुलाम बन गए और मैं बड़े तफाखुर से ये बात अर्ज करता हूं मुझे ये शर्फ हासिल है कि सन 1971 में हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बालाकोट में मेरी कहानी की थी और हर साल मेरे पास वहां सीधे जाया करते थे प्रवाह करते थे कि जो आदमी शहीद सादत के सराहने बैठ कर ये 40 हदीसे पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हाफिज़ कभी कमजोर नहीं करते वो 40 हदीसें पढ़ने के लिए हर साल उत्साह भरे शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर हाजिर किया करते थे और खिदमत का मौका मुझे मिलता था। मेरे पास कई मरतबा उन्होंने रात गुजारी रात को भी कमरे में उनकी चारपाई के साथ नीचे बिछौना बिछा बिछा के लेट जाता था सारी रात की सारे दिन की मसरूफियात के बाद सिर्फ एक घंटा या डेढ़ घंटा चारपाई पे लेटते थे फिर भी मसला उठाता था वो घर उठते लंबी लंबी घंटा लंबी नमाज पढ़ते थे हाथ हाथ सुबह के हजार में
ये मस्जिद में बैठा हूं, मैं रात को करीब बैठा हूं, बाबू से बैठा हूं। फिर उसके बाद वही सिलसिला हजरत मौलाना खुदा रहमान साहब बर्खास्त किया, आज अलहमदुल्ला अलैह कहना पड़ रहा है उनको, सारी उम्र उनके लिए रहमत प्रशान की दुआएं करते रहे। इलाज को हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हर साल के पास तशरीफ ले जाया करते थे। जलजले के फौरन बाद, बारपुर के जलजले के फौरन बाद, 20 दिन के बाद इस्लामाबाद से मुझे टेलीफोन किया, कहा जुमे का दिन था, कानत में बारपुर में कहा मैं जुमे की नमाज तुम्हारे साथ अदा करूंगा, तो 10 बजे का वक्त था या 11 बजे का वक्त था, कहा जुमा किस वक्त पढ़ते हो, मैंने कहा 2 बजे पढ़ते हैं, तो 2 बजे में 10 मिनट बाकी थे कि अगर मस्जिद में लगा पशु तो नहीं थी, मलबा था, एक ऐसे का ढेर था, अंदर दाखिल हुए, खुतबा दिया, नमाज पढ़ाई, चंद कलिमात इरशाद फरमाए, और मैं जो बात बतौर खास आपकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूं यह है कि नमाज के बाद 500 पौंड मुझे दिए और मैंने पौंड पहली बार बदली भी देखा, 500 पौंड मुझे दिए, कहने लगे फरमाने लगे ये आज मुझे किसी ने सुबह दिए थे, तो मैंने सोचा ये काले खरीद को पहुंचा दो तो बेहतर है, ये मैं तेरी अमानत दे के आया हूं, इसे जहां तेरी मर्जी हो वहां तक मदरसे पर खर्च करे, मस्जिद पर खर्च करे, किसी और मकसद पर खर्च करे, ये तेरी मलकियत है, ये तुझे पहुंचाने आया हूं। हम इंग्लैंड में थे, बाबुल्ला शीला को दरखास्त की गए, हम सफर थे बल्कि मेरे नाम पर थे, वहां बंगाल के बहुत बड़े शेखुल हदीस आए हुए थे इंग्लैंड में, उन दिनों हम उनकी मुलाकात के लिए गए, हाजिर हुए मैं और मौलाना रशीदा को दरखास्त की भी, वहां अगर शेख की बातें, शेख अकबर की बातें छिड़ गई, अगर दरखास्त रहमतुल्लाह अलैह की बातें छिड़ गई, वो जयपुर उम्र बड़े आखिरी उम्र में थे, लोगों के अपने 20 साल को मुझे नाम जैन सुन पर गए, शायद इसी का सबको नाम याद हो, उन्होंने कहा मौलाना की गुफ्तगू में जब अरुण प्रसाद सिंह बंगाल तशरीफ दे गए थे, ढाका तशरीफ ले गए थे, तो बंगाल की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस अगर मौलाना बुलंद अखासी के सरबार की रही है, पूरी दुनिया में अदब की एक पहचान थी, अदब का एक नाम था, और उस नाम को अदब इस आजाद को जिंदा रखा है, मौला फजल रहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं, खुदा रहमान पर खास आज कुछ आशियां हैं, अल्लाह पाक ने जन्नत को बसेरा उनको नसीब कर दिया, जैसा क्योंकि हक्कानी साहब कह रहे थे जिस मजलिस से होते थे, जिस तरह आज की समझता का चौधरी का चांद चमक रहा है, पिछले साल मुझे टेलीफोन किया, आप साहब जाते थे मेरे पास, पिछले साल टेलीफोन किया, कहा हो मैंने कहा बारपुर को, कहा मैं आ रहा हूं मुझे आगे जाना है, तो मैंने वहां खाना त्याग कराया, दोपहर का वक्त था, जोर की नमाज के करीब मेरे पास पहुंचे, मैंने कहा अगर नमाज के बाद थोड़ा सा आदत काम करना है, कहते नहीं खाने का तो मुझे उस दोनों लिखा हुआ है, बाहर जाके वो खड़ा जाके खाने का काम था, मुझे खाने का तो उसने कहा हुआ है, मैंने कहा उसने कहा हुआ है मेरा तैयार है, तो फिर जी मार के खाने का पूरा खाना था, और भगवान ने कहा अच्छा हुआ चलो मुझे भूख पर इसके आगे से खाना तैयार ही खा तो अच्छा हो, उस शब्द के साथ रमजान में रोजों को मेरे ख्याल में 10 मिनट रहते अफ्तारी को अदब का मेरे फोन आ गया, कहा हो मेरे कहा घर में हूं, कहा मैं आ गया अफ्तारी तेरे पास करूंगा, तशरीफ ले आए, अफ्तारी की मैं मगरब की नमाज के लिए मस्जिद में चला गया, वहां मस्जिद में मैंने नमाजियों को कहा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत मेरे यहां आई हुई है, अगर आप लोग चाहते हैं तो उनसे आपका मुसाफा भी करवा दूं, आपने दुआ भी करवा दूं, तो मस्जिद के सारे मुलाजी मेरे साथ मेरे घर जाए, घर के साथ ही मस्जिद है वहां मानसर आ गए, अदब का मुसाफा भी हुआ, अदब से दुआ भी हुई, कुछ हदायत भी उन्हें तालीम दिए, फरमान लगे अखलाक का पे कर, उसने अखलाक का पे कर थे पे कर मुजस्म है अखलाक को, फरमाया कायशा आपने शायद की थी लोगों को तकलीफ दे का यहां जाए मुझे हुक्म दे देते मैं मस्जिद में
चला जाता, उनसे मामला काट कर लेता। तो वह फरमाने लगे कि सुबह मैं इस्लामाबाद से चला हूं और जयठाने जो हमारे वादी कामान का आखिरी पॉइंट है, फरमाने लगे वहां से होता और रफ्तार तेरे पास चली गई है। बड़ा ताल्लुक था, बड़ा वादी ताल्लुक था, और बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा है, खलबत में भी देखा है, जलबत में भी देखा है, मजलिस में भी देखा है, तन्हाई में भी देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सी बात से नवाजा था, और हमारी ये दुआ है कि इस सिलसिला का अमल शुबा तक जारी और सारी रहे। अल्लाह पाक इस खानदान की बरकत से इस कौम को महरूम न करे, इस उम्मत को महरूम न करे। पूरी दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है, अल्लाह पाक उस मुकाम को ताकर साया को ध्यान रखे, और हमारी इन मौजूदात को अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए उनके बुलंदी दर्जात का सबब बनाए, और उनको अल्लाह तआला खानपुर से नवाज साहब शेखुल इस्लाम शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर्रहमान बरख़ास्ती साहब मुहतरम जामे अब्दुल्लाह इब्न मसूद तशरीफ ले आए हैं। इसी तरह कराची से हमारे हजरत के बड़े साहबजादे हजरत क़ाज़ी हुसैन अहमद साहब मुहतरम जामे मौला कुरान मौबी तशरीफ फरमाए, हजरत मौलाना रशीद अहमद दरख़ास्ती साहब तशरीफ फरमाए। हज़रात मोहतरम, यहाँ हम जितने भी बैठे हुए हैं हमारी कैफियत यही है कि हम सब हजरत दरख्वास्ती नवरल्लाहु मरकज़हु के दुनिया से तशरीफ ले जाने पर ताज़ियत के मुस्तहिक हैं। हजरत वाला की ये खुसूसियत थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये बहुत बड़ी सलाहियत अता फरमाई थी कि हजरत मौलाना ख़ाज़ी दरख्वास्ती नवरल्लाहु मरकज़हु के साथ जिसका भी ताल्लुक, वो यही समझता था कि शायद हजरत की नजर करम सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वक्त मुख्तसर है, कहने को बहुत कुछ है, तो जिस तरह आप हजरात आज हजरत वाला के दुनिया से चले जाने से एक खला महसूस करते हैं और एक कमी महसूस करते हैं, तो हर वो फर्द जिनका हजरत वाला से ताल्लुक था वो यही कमी और यही खला महसूस कर रहा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकत जहां उनके औलाद और उनके बरादरान और उनके आयजा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अब बिला तवक्कुफ मैं दावत देने चला हूं नवासा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब से मुंतमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल के इजहार फरमाए, क्योंकि हमने नमाज असर भी अदा करनी है, तो इसलिए वक्त का भी ख्याल रखा जाए। माइक दे वहाँ पे।